So hello students, welcome to this particular session. So students, ye session mein pehle to confirmation mein le lu aap logon se lectures ab sabhi logon ko mil raha hai ya nahi. All the students zara ek baar sab log link share kar dein. Tell the students. स्टार्ट करेंगे फिर. फाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुंजन, नेहल, दिनेश, विभूति, पायल, साई, तेजा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो स्टूडेंट्स, देखिए स्पेशल टॉपिक है ये, जो मैट के बाद ये एक स्पेशल टॉपिक अपना रह गया था. ठीक है गुंजन, बस चार्ट तो मैं इसको तो मैं बड़ा कर दूंगा. ये जो नोट्स है ये मैंने आपके टेलीग्राम चैनल में डाल के रखा हुआ है, सातारा विकासा के टेलीग्राम चैनल में ये मैंने नोट्स डाल दिए हैं. अगर आप चाहो तो स्टूडेंट्स वहाँ से ले लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाल दिया है. तो ये आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से मिल भी जाएंगे ये पर्टिकुलर चार्ट्स. श्रेया पुष्कर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो प्राइमरी ये था कि मैं ओरिजिनली तो मैं इसको रिकॉर्ड करके डालने वाला था, लेकिन ऋषिकेश जी ने कहा था कि सर इसको लाइव में ही आप डालिएगा. तो मैंने बोला चलो ठीक है, लाइव ही करते हैं, ताकि एग्जिस्टिंग स्केड्यूल थोड़ा सा खाली हो गया था. और लास्ट वीक एक्चुअली प्लान था, लेकिन लास्ट वीक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, क्योंकि मुंबई में भी काफ़ी समस्या थी लास्ट वीक के कॉन्टेक्स में. अब चालू करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे. तो जहाँ तक नोट्स की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपने व्हाट्सअप अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, सतारा विकासा के टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल दिया, प्लस मैंने व्हाट्सअप ग्रुप्स में डाल दिया है ये जो नोट्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे. अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा केयरफुल रहना, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. डोमेस्टिक कंपनीज की ये स्टूडेंट्स ये स्पेशल टैक्स रेट्स हैं, डोमेस्टिक कंपनी की ये स्पेशल टैक्स रेट्स हैं. क्या होता है यहाँ पे नोटिस करना, इस पर्टिकुलर अभी तक प्रायर टू एफ ए 2019, ध्यान से सुनना इस बात को, प्रायर टू एफ ए 2019 आप लोगों के पास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बलिया, आप लोगों के पास स्टूडेंट्स क्या था कि देयर वॉज 115BA का प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एफ ए 2017 के कॉन्टेक्स्ट में. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा ये पर्टिकुलर प्रोविजन था नहीं, बिल्कुल था. एफ ए 17 के कॉन्टेक्स्ट में ये एक 115BA का प्रोविजन को पहले से ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स में, कि एक ऑप्शन दिया जाएगा आप लोगों को, अगर आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे तो एक तरीके से आपको क्या होगा, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा. अभी स्टूडेंट्स क्या हुआ है, ध्यान से सुनना इस बात को, 115BAA के आने की वजह से सबसे पॉपुलर, जानते हो ये तीनों सेक्शन में से सबसे पॉपुलर बनने वाला है, ये वाला बनेगा पॉपुलर सेक्शन. पॉपुलर इस वजह से क्योंकि आप बोलोगे कि किस बात की पॉपुलैरिटी सर, 15% पहले वाले में दिख रहा है आपको हमको तो, और दूसरे में 22% है. बात सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, लेकिन आप सोचना इनका जो रेंज होगा ना 22% वालों का, ये जो 115BAA का, ये बहुत ज्यादा रहेगा. क्योंकि यहां जहां तक अगर आप 115BAB की बात कर रहे हैं, जहां तक आप 115BA की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए थे. ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट दोनों के बीच में कंपेयर करना, 115BAA और BA के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग ये तो कैंसल आउट कर ही दूंगा मैं, क्योंकि ये 25% वैसे ही मुझको दिख रहा है वहां से, और जबकि यहां पे 22% का मुझे बेस रेट दिख रहा है. तो एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ यहाँ पे 22% के रेट पर है और यहां पर है आप 25% के रेट पे चल रहे हो. तो अगर मैं रेट पे खेलूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि 115BA लगभग क्या हो चुका है, रिडंडेंट हो चुका है. ठीक है, अच्छा बिटवीन दीज टू अगर मैं देखूं
तो वाकई में 15% देख के तो लालच आ रहा है, बहुत कम है ये रेट। लेकिन जैसे मैंने कहा ना स्टूडेंट, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है, और वो भी वो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी भी उससे स्टार्ट करनी पड़ेगी आफ्टर कट ऑफ डेट, तब जाके इस पर्टिकुलर 15% का बेनिफिट मिल सकता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आज की तारीख में जो पोजीशन बन चुकी है वो ये है कि जो अल्टरनेट टैक्स स्कीम जो है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी वालों के लिए है, जो अल्टरनेट टैक्स स्कीम जो बनाई गई है उनके लिए, उनमें से अभी जो प्रैक्टिकल लेवल पे जो चुनाव किया जाएगा वो ये दो सेक्शन के बीच में होगा, ये 115BAB और एक 115BAA। साथ ही साथ शायद स्टूडेंट आपको और एक सेक्शन पता होगा, टर्नओवर वाला एक कंपनी, ये भी शायद आप सभी लोगों को पता ही है। टर्नओवर वाला कैटेगरी वाली कंपनी पता है कि नहीं आप लोगों को, टर्नओवर कितना है बताइए, प्रीवियस ईयर 17-18 में अगर उसकी टर्नओवर पता है कि नहीं आप लोगों को, टर्नओवर कितना होना चाहिए बता दो जल्दी से, कितना होना चाहिए टर्नओवर, तब जाके उन्हें एक और एक कंसेशनल रेट का बेनिफिट दिया जाएगा। और एक केस है टर्नओवर वाला क्राइटेरिया, वो जल्दी से बताओ टर्नओवर वाला क्राइटेरिया किस केस में है। बताते जाओ अपने आंसर्स टाइप करते हुए। गुंजन का आंसर आ चुका है, मुझे साल का भी आपको बताना होगा किस साल की बात हो रही है, पुष्कर ने भी आंसर दी है वैसे। प्रिया नोटिस करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखें आप सभी लोग इस कॉन्टेस्ट में। चलो आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, श्रेया ने आंसर दे चुका है, बलिया ने भी आंसर दिया है, देख रहे हो आप लोग सब लोग यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। डोमेस्टिक कंपनी की रेट्स ये है आपकी रेट्स, बिल्कुल सही। यहाँ पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, आप लोग नॉर्मल है 30%, ठीक है। अगर लेकिन टर्नओवर वाली क्राइटेरिया वाली कंपनी, मतलब कि ये एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाली कंपनी है, ठीक है, तो कोई भी अगर एक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी और उसकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, विधि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेस देन या अप टू 400 करोड़ तक का क्या होगा इसका टर्नओवर है, उसके ऊपर एक्सीड नहीं अगर करता है तो फिर 30% के बजाय हम उसको 25% दिलवा देंगे। 30% के बजाय हम लोग क्या करेंगे, उसको 25% दिलवा देंगे। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट दिस पर्टिकुलर 25% वाला कैटेगरी है। टर्नओवर किसका ले रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर 17-18 का। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स, आप मुझे जरा आंसर देना। मान के चलो कि एक कंपनी है, इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है, इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोग। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फिर उस केस में आपको 25% लेना होगा या 30% वाला केस होगी। अभी मैं BAB और BAA में नहीं आ रहा हूं, अभी फिलहाल उसके लिए भूल जाओ, 3, 4 और 5 को भूल जाओ, अभी आप सिर्फ ये दोनों पे ही रखते हैं। टर्नओवर वाला कंपनी अगर ये फर्स्ट ईयर है डोमेस्टिक कंपनी का, तो उस डोमेस्टिक कंपनी पे आप 30% दोगे या 25% देंगे, फर्स्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर 1920, इसी साल वो क्या है इनकॉर्पोरेट हुआ है, जल्दी बताओ इसका आंसर। बलिया का आंसर आ चुका है, विधि गुंजन। अच्छा रीजंस के साथ भी अगर हो सके तो रीजंस के साथ भी अगर बताओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। गुंजन, हर्षिता, प्रिया, दिनेश, सीमा, मोनिका, पुष्कर। अब मैं वो लॉ मेकर पुष्कर ऐसा क्यों वो कह रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्यों उन्होंने रखा है, उसका असेसमेंट का फीचर था और लॉजिक है असेसमेंट, एक साल छोड़ के जो आप पूछ रहे हो ना वो असेसमेंट का था। विद्या,
ये बात स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आप सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। आप लोग को 30% लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अगर ये फर्स्ट ईयर इनकॉर्पोरेशन है आपका 19-20 में, तो आपको ये देखो आपको प्रूव करना होगा एसएमई का कॉन्टेक्स्ट, और वो प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या था, 17-18। तो उस पर्टिकुलर 17-18 के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप इनकॉर्पोरेट, अगर अगर आपकी पैदाइश ही हुई है 19-20 में, तो फिर आप अपने आप को एसएमई प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसएमई प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या था, टर्नओवर आपका 17-18 का उतना होना चाहिए था, उससे उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो देयर फोर देर इज नो क्वालिफिकेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या है कि अब क्या होगा कि इसको प्राइमरी, अब 19-20 वाला जो अगर कोई इनकॉर्पोरेट अगर हुआ है, उसको अगले 2 साल बाद वो देखेगा कि वो एसएमई बन सकता है या नहीं। तो दैट इज हाउ द थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। तो एसएमई बनने की क्राइटेरिया 17-18 की टर्नओवर के हिसाब से देखी जाएगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन ही इस करंट ईयर में अगर हुई है, तो फिर स्टूडेंट आप 25% नहीं लेके आप 30% ही लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को ये 18 1920 प्रीवियस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ, तो ध्यान रखना 30%। तो ये तो सिर्फ टर्नओवर वाली बात हो गई है, तो इसमें ऑप्शन वाला गेम आएगा। तो आईसीए ने स्टूडेंट्स एक बार, मुझे पता है केस में आपसे टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन था, वो शायद मुझे याद आ रहा है एप्सिलॉन का क्वेश्चन था वो, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन डाला था कि टर्नओवर अल्टीमेटली उस साल का कुछ 390 लाख था, ऐसा कुछ उन्होंने दिया था, समथिंग लाइक दैट, 390 लाख उस साल का, दैट इज प्रीवियस ईयर 17-18 का। तो अगर ऐसा आपको जरा भी हल्का सा भी रेफरेंस अगर वो देते हैं टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 17-18, तो फिर आपने करना क्या है, 25% लगा देना है एज दी टैक्स लायबिलिटी रेट, सब्स्टिट्यूटिंग द 30% रेट, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बताओ मुझे, अगर उस डोमेस्टिक कंपनी के पास उसके टोटल इनकम में अगर कोई स्पेशल इनकम अगर होगा, उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी के पास अगर कोई स्पेशल इनकम होगा, आप बोलोगे सर स्पेशल इनकम का मतलब 112A वाला इनकम ही ले लो आप, तो क्या उस 112A वाले इनकम पे आप कितना रेट लगाएंगे, 25% लगवाएंगे या फिर 10% के हिसाब से आपको रेट लगाना होगा, क्या करेंगे आप, 25% और 10%। अगर उस पर्टिकुलर टोटल इनकम में, उस टोटल इनकम में उनके पास कोई स्पेशल इनकम है, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया आपको 112A वाला इनकम, तो फिर आप उस 112A वाले इनकम पे रेट क्या लगाएंगे, 10% लगवाएंगे या फिर 25%। जल्द से जल्द स्टूडेंट्स सीमा का आंसर आ चुका है। गुंजन ट्रिपल वन ए कहां पे पहुंच गए, मैंने 112A की बात की। गुंजन प्रांजल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, बात सही, पूरी बात आपने सही कही है। तो आपने 10% मैट कहां से आ गया, यहां पे आपने 10% ही लगवानी है। जहां पे आप देखो टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करते हो, तो 30% तो आपका जनरल रेट है, वो जनरल रेट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 25% से अगर टर्नओवर किस साल का 17-18 का कितना है, नॉट मोर देन 400 करोड़। लेकिन है तो 25% अपने हिसाब से क्या एक जनरल रेट ही तो है, और ध्यान से सुनना इस बात को, जनरल रेट क्या है, जब टैक्स लायबिलिटी की कॉम्पुटेशन आप करते हो एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, तो उसमें टोटल इनकम में ये देखा जाता है कि कोई आपके पास कोई ऐसा इनकम है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई टोटल इनकम में अगर आपके पास कोई ऐसा इनकम है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो उस पर्टिकुलर इनकम पे आपने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगवा देना है, और बैलेंस टोटल इनकम पे जनरल रेट लगवा देना है, जो कि आपका 30% हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, 25% हो सकता है एज द केस में भी। यही कहानी स्टूडेंट्स आपने करना होगा कहां पे, 115BAB में भी और 115BAA में भी, ठीक है। बीए का चांसेस स्टूडेंट मुझे लगता है बहुत कम हो गया है, प्रैक्टिकल मतलब कि एक आदमी जो कि सिर्फ एकेडमिक वर्ल्ड को ही बिलोंग करता रहेगा वो बीए का क्वेश्चन डालेगा। प्रैक्टिकली आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, लगभग 115BA वाला जो कंसेप्ट है वो एक्सटिंग्विश हो चुका है। किसके वजह से, BAA के आने की वजह से BA एक्सटिंग्विश हो चुका है। BAB तो किस्मत की बात है कि अगर आपने वो सारे कंडीशन BAB के सेटिस्फाई कर दिए, तो आपको BAB का भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कहने का मतलब स्टूडेंट्स यही बात कह रहा हूं कि आपकी जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में ये जो रेट जो आप लगवा रहे हो ना, चाहे वो 30% का हो, चाहे वो 25% का हो, या फिर अगर BAB की अगर हम बात कर ले, BAB की अगर हम बात कर ले, तो 15% का रेट,
ये सारे जो रेट्स हैं स्टूडेंट्स जनरल रेट्स हैं, और इसका मतलब होगा ये कि अगर आपके टोटल इनकम में कोई अगर स्पेशल इनकम मौजूद है तो उस स्पेशल इनकम पे आपने स्पेशल रेट लगवा देना है और बैलेंस टोटल इनकम पे जनरल रेट लगवाओगे। बताओ क्या होगा वो जनरल रेट? 30%, जो कि वैसे ही आपको पता है, या फिर टर्नओवर के हिसाब से 25%, या फिर इन सेक्शनों के अंदर, किन सेक्शन की बात हो रही है, 115BA, 115BAB या 115BAA का जो रिस्पेक्टिव रेट है वो लगवा के बैलेंस टोटल इनकम पे आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, अभी फिलहाल मैट पे मत आना, मैट पर प्राइमरी हम इस पे भी उलझने वाले नहीं है, बस अभी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कॉम्पिटिशन हम सीख रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। तो उसके अंदर क्या क्या दांव पेच होगा स्टूडेंट्स, ये चीज हमें बस समझना है, एंड दैट एग्जैक्टली वॉट यू आर सपोज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दूसरी बात स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं और एक चीज बात रखूं, तो आपको इस टाइप के आप क्वेश्चन देखो, हो सकता है या तो BAA या BAB इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको या तो बन जाएगा। बताओ कैसे बनेगा? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ दी दी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बना दिया जाएगा। जैसे मैंने एक MTP में ही मेरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, MTP 4 में, ये शायद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, MTP 3 या MTP 4 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, जो कि हम लोग आज देख लेंगे एक बार। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका, आपको स्टूडेंट्स IMCQ में इसका डाला जा सकता है क्वेश्चन। और कौन सी MCQ की बात हो रही है? इंटीग्रेटेड MCQ। स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड MCQ थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉसिबल है कि वो आपको इसका एक केस स्टडी टाइप का बना दे और उसमें एक इंटीग्रेटेड MCQ के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसमें उलझा दें। एक स्टूडेंट्स एक हो सके, मैंने एक क्या है सिकासा में, मैंने वहाँ किसी इंस्टीट्यूट सिकासा में मैंने क्या है एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी पे एक लेक्चर लिया था। तो मैं अगर हो चाहूँ तो मैं अपने टेलीग्राम पे एक बार बात कर लेता हूँ कि अगर वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज मैं अपने तो चैनल में डाल देता हूँ यहाँ पे, आप एक बार देख लेना, वो 1 घंटे का ही पर्टिकुलर मेरा एक लेक्चर होगा। ठीक है, तो वो एक बार कम से कम कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, मैं एक बार डाल दूंगा एक बार ये पर्टिकुलर हो जाने के बाद। अब एक बार सुन, चलो जल्दी से आ जाते हैं एक एक करके स्टूडेंट सभी लोग, हम लोग को ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज को, ये पूरे सेक्शन को लेके। क्यों ध्यान से पढ़ना है? क्योंकि इसको हमें सिर्फ प्रैक्टिकल के अंदाज से नहीं पढ़ेंगे, कंडीशंस को समझना होगा। फॉर द रीजन दैट अगर ये इंटीग्रेटेड MCQ के क्वेश्चंस में भी आ जाए तो भी आपको पता रहना चाहिए कि इसके इफेक्ट क्या है। तो समझने की कोशिश करेंगे, हाँ कुछ एक दो पॉइंट इररिलेवेंट होगा आपके एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको बता दूंगा, बट अदर देन दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेम। चालू करते हैं स्टूडेंट्स, कभी देख लेता हूँ कि आपको कुछ क्वेरी है तो पूछ, मैं आपको एड्रेस करवा देता हूँ, कुछ क्वेरी अगर होगा फिर एक बार स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग इसमें हम लोग पूरा डिस्कशन चालू करेंगे। अभी फिलहाल तो विधि ने पूछा स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट एंड बैलेंस फिगर पे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। BAA इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव वाइडर देन अदर सेक्शन, बिल्कुल विद्या, इसी वजह से व्हाट दैट इज व्हाट आई हैव सेड इट कि BAA ये प्राइमरी क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड, BAA ज्यादा रहेगा। BAB पे BAB भी सबसे अच्छा सेक्शन है, लेकिन कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए तब जाके BAB का बेनिफिट मिल सकता है 15% का, इजंट इट? लेकिन BA अपने आप में रिडंडेंट हो चुका है, बट स्टिल चलो चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस, आइए स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद दिस वन बाय वन। अब पहले में एप्लीकेबिलिटी, अच्छा ये जो स्पेशल रेट है प्राइमरी, ये जो भी रेट हम लोग देख रहे हैं 115B, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी है भाई, फॉरेन कंपनी का तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है, बताओ क्या करोगे? 40%, 40% स्टूडेंट्स, फॉरेन कंपनी सिर्फ और सिर्फ 40% का ही गेम खेलेगी। आपको कुछ भी फॉरेन कंपनी को कॉन्टेक्स्ट में कोई कंसेशनल रेट ऐसा है ही नहीं, तो 40% का रेट है ये पूरा सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए। रेट है 15%, 22 और 25 रिस्पेक्टिवली, लेकिन केयरफुल रहना होगा स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को, देख रहे हो आप लोग, इफेक्टिव रेट आपको लगवा देना है। आपने आंसर में क्या करोगे बताओ, आंसर में क्या करेंगे? आपने सॉल्व अगर करना होगा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन के टाइम पे, आपको सरचार्ज तो लोड करके ही चलना है चाहे जो भी टोटल इनकम हो, और सरचार्ज कितना स्टूडेंट्स? 10% ही आपको लोड करके ही चलना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने ये फाइनेंस एक्ट में सरचार्ज का स्पेसिफिक पॉइंट डाला गया है, और फाइनेंस एक्ट में क्या बोला गया है कि ये 10%, जैसे कि मालूम है आप लोग DDT के लिए भी करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए भी करते हो, आप उसी तरीके से एग्जिट टैक्स के लिए भी करते हो ना, एग्जिट टैक्स के लिए क्या करते हो? सरचार्ज लोड करके हमेशा चलते हैं आप लोग, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी आप क्या करते हो? आप सरचार्ज को लोड करके चलोगे। तो ये जो
इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम, हम सरचार्ज को जो लोड करके चलते हैं, ये जो मैंडेट देने का काम करता है फाइनेंस एक्ट करता है, फाइनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 2। और उस सेक्शन नंबर 2 में वो बोलते हैं कि प्राइमरी ये सरचार्ज हमेशा लोड रहेगा और रेट भी बोल देते हैं। और यही वजह है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो 10% है यहाँ पे, ये जो आप लोग देख रहे हो प्राइमरी, ये आपने लोड करके चलना है। मतलब कि आप ये नहीं देखेंगे कि टोटल इनकम कितना है, यू विल ऑलवेज लोड अप दिस पर्टिकुलर थिंग। ये किस सेक्शन की बात हो रही है, 115 बी ए बी की बात हो रही है, बी डबल ए की बात हो रही है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बी ए में देख रहे हो आप लोग सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, डिफरेंस देखना। क्यों हुआ है ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 2 है, वहां पे ये जो 115 बी ए के लिए उन्होंने इस तरीके से कोई भी बात नहीं रखी है। इसका मतलब यही होगा कि अगर आप 115 बी ए के ऑप्शन के अंदर चल रहे हो, तो फिर हमें ये देखना होगा। बताओ क्या देखेंगे आप लोग, कि क्या आपकी टोटल इनकम जो है, क्या वो थ्रेशोल्ड को पार कर गई है? वो थ्रेशोल्ड क्या है? एक तो है 1 करोड़ का और दूसरा है 10 करोड़ का। तो अगर वो थ्रेशोल्ड को अगर वो पार करता है, तब जाके ही क्या होगा, सरचार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन जहां तक बी ए बी और बी डबल ए की बात अगर होगी, सेक्शन 2 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर ही ये मैंडेट है कि क्या करेंगे आप, एग्जिस्टिंग रेट में पहले से ही लोड करेंगे द सरचार्ज ऑफ 10%, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पुष्कर, ये क्वेरी थोड़ा एंड में रखेंगे, अभी फिलहाल उस क्वेरी का टाइम नहीं आया। तो इफेक्टिव रेट लेके चलना है यहां पे बस मैं लिख रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। यही बात यहां पर भी रिपीट होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। और आखिरी की जो बात होती है वो तो आपको पता ही है, आखिरी की बातें क्या होगी, वहां पे आपने देखना होगा टोटल इनकम का थ्रेशोल्ड और उसी के हिसाब से फाइनली आपको अपना सरचार्ज कंसिडर करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्या। चलो अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाओ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी, देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ टैक्स इज नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 मतलब कि क्या कहा है, ये चैप्टर 12 का मतलब है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अगर कुछ है ऑन स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, तो बताओ उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप स्पेशल रेट ही लगवाएंगे और फिर बैलेंस टोटल इनकम पे बताओ क्या करना होगा, आपने लगवा देना है 17.16% अगर आप 115 बी ए बी का ऑप्शन में चल रहे हो। तो बात तो वही है, ये जो रेट्स हैं ये सब्स्टिट्यूट करता है किसको, द जनरल रेट ऑफ 30%। तो ये अपने आप में भी एक जनरल रेट है लेकिन ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल स्कीम है लेकिन है क्या अपने आप में जनरल रेट। एंड एज आई टोल्ड यू, चैप्टर 12 के अंदर जो आपको रेट दिए जाते हैं वो सारे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल रेट, इवन दो द जनरल रेट्स जो आप देख रहे हैं वो एक अपने आप में ऑप्शनल स्कीम के द्वारा लगाई जा रही है। सेम कहानी 115 BAA में भी है और सेम कहानी स्टूडेंट, सेम कहानी क्या प्राइमरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये 115 BA में भी है। तो आप नोटिस करना कि आप कोई भी 3 सेक्शन में चले जाएं, स्पेशल रेट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल रेट अंडर दीज 3 सेक्शंस, ठीक है। अब आगे वाली कहानी पे चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 5, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम मैट, क्या मैट एप्लीकेबल होगा या नहीं और क्या कंडीशन है जो फुलफिल करने पे आपको इन सेक्शनों का लाभ मिलेगा या आप ऑप्ट कर सकते हैं द कंसेशनल रेट अंडर दीज सेक्शंस। कंडीशन थोड़ा कठिन है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कठिन मतलब कि ऐसा नहीं है समझने के लिए, प्रैक्टिकल लेवल पे, क्योंकि हर कंपनी को एसेस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे इंसेंटिव लेके चल रहे हैं बहुत सारी कंपनी। आपको शायद ये तो पता ही चल जाएगा अभी तक कि देखो जनाब, आपको वो सारे एक्स्ट्रा इंसेंटिव, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड क्या मैं यूज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको त्यागना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इंसेंटिव अगर आप त्यागेंगे तब जाके आपको ये सारे सेक्शंस का बेनिफिट दिया जाएगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया, एक्स्ट्रा इंसेंटिव,
नॉर्मल इंसेंटिव नहीं, मतलब जो सभी लोगों के लिए प्राइमरी मिलता है अदरवाइज, लेकिन जो आप अपनी हैसियत के वजह से एक्स्ट्रा इंसेंटिव आप लेते हैं, वो आपको अल्टीमेटली क्या है, त्यागना पड़ना, त्यागना होगा और बन जाओगे आप त्यागी जी, इजंट इट। तो आपको प्राइमरी अपने हैसियत की वजह से जो आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव लेते हैं, आप उसे त्याग दें, और त्यागने पे आपको ये सारे सेक्शन का जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है वो बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा। दिस इज वॉट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर प्रोविजन्स विल बी रिक्वायरिंग यू टू डू। तो वो सारी कंपनीज जो कि लिटरली एक्स्ट्रा इंसेंटिव की वजह से क्या कर रही है, अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने में क्या है सफल अभी तक हुई है, उनको कॉल लेना पड़ेगा क्या, कि क्या वाकई में ये प्रोविजन हमें फायदा दिलवाता है या नहीं। बट अदर देन दैट, अगर कोई कंपनी जो कि उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव वैसे भी कोई ले नहीं रहा, अगर मैं कहूँ एज ए कंपनी अगर मैं हूँ, तो मुझे 115BAA ज्यादा पसंद आ सकता है, क्योंकि वो सारे एक्स्ट्रा इंसेंटिव मैं वैसे ही लेता नहीं हूँ, मुझे वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हो सकता है कि मैं 115BAA की तरफ मेरी नजर घूम जाए, और वहां पे 115BAA बोल रहा है क्या, बोल रहा है भाई 25%+10% फ्लैट सरचार्ज, 22%+10% प्लस फ्लैट सरचार्ज, जो कि आपको 25% के आसपास एक रेट आ रहा है। सो दिस इज हाउ एवरी कंपनी विल इवैल्यूएट। और एग्जामिनेशन में भी अगर स्टूडेंट्स हो सकता है इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहे, 14 मार्क्स का क्वेश्चन मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने एक MTP में क्वेश्चन भी डाल रखा हुआ है कि 14 नंबर का क्वेश्चन है, कि आपको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कि बताइए कंपनी को क्या ऑप्ट कर लेना चाहिए, ये 115BAA या 115BAB एज अ केस में भी, वहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सो देयरफॉर दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन 14 मार्क्स का बन सकता है, उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है एज फार एज योर अटेम्प्ट इज कंसर्न। एक क्वेश्चन ही बस प्रैक्टिकल पता रहना चाहिए कि इसको इवेल्युएट कैसे किया जाता है इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। पहले कंडीशन देख लेते हैं, खत्म करते हैं एक एक करके, क्योंकि हम कंडीशन इसके लिए पढ़ रहे हैं, MCQ के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि यहाँ पे MCQ यहाँ पर घातक सिद्ध हो सकता है स्टूडेंट्स। आइए पॉइंट नंबर 1 पे क्या बोला गया है, कंपनी शुड बी सेटअप, ये 115BAB का मैं पढ़ रहा हूँ, कंपनी शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर, यही तो बात कही थी मैंने, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत, मतलब ये तो बहुत ही, जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेटअप करने के लिए प्राइमरी क्या है, ये बेनिफिट दिया गया है। दैट एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज। दूसरे के लिए 115BAA, जिसके लिए मैंने कहा था इट इज अ बिग हिट। अगर मैं अगर एक कंपनी हूं और मैं 2003 से एक कंपनी बन के बैठा हूं, अब तक 30% का गेम चल रहा था जिंदगी में। हाँ ये बात जरूर है कि भाई टर्नओवर के आधार पे 25% का एक एक रे ऑफ होप बना हुआ है, बिकॉज मैं एक अपने आप में SME हूं, लेकिन क्या मैं 22% वाले रेट पे +10% जो फ्लैट सरचार्ज है और सेस लगा के, क्या ये 115BAA के ऑप्शन को भी क्या मैं अवेल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि मैं इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए कब, ऑन और आफ्टर अ थ्रेशोल्ड डेट। ये बहुत बड़ी बात होती है 115BAA के लिए। जहां तक 115BA की भी बात अगर करें, तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो डेट भी दिया गया है 1st of March 2016। लेकिन मैंने जैसे स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, क्या मैंने स्टार्टिंग में बताया, 115BAA की वजह से 115BA अपने आप में क्या है, रिडंडेंट है, रिडंडेंट हो चुका है। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखा जाएगा इसका कोई अब अहमियत नहीं है। कोई सर फिराई होगा एग्जामिनर अगर उसने क्वेश्चन 115BA पे डाल दिया, तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वही डाल पाएगा, नहीं तो अदरवाइज का कोई रेलेवेंस नहीं है। आइए, इट शुड कमेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑन और बिफोर, ये भी आपको दे रखा है, ऑन और बिफोर 31st of March 2023। मतलब कि विंडो जो है ये सिर्फ ये 4-5 साल, 4 साल का ही दिया गया है। प्राइमरी हो सकता है कि आगे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन वो तो आगे वाली बात है, फ्यूचर टेंस होगा। अभी तो फिलहाल आप ये स्कीम में ध्यान रखना, डेट पे फोकस करके चलना, 1st October 2019। 1st October 2019 चुनौत और एक चीज के लिए बहुत क्रिटिकल है, कोई मुझे बता सकता है 1st October 2019 वो डेट से एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है? और मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो मैंने आपको लेक्चर में भी कवर किया था पिछले क्लासेस में। इस डेट से और एक ऑप्शन आपको मिलता है, बताइए वो ऑप्शन क्या है इस डेट से। ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, अगर मैं होता आर्या पर यहीं पे कर दो, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, बताइए 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। 1st October 2019 का डेट में क्या था खास बात, अमेंडमेंट की बात मैं कह रहा हूं, अमेंडमेंट है, देखते हैं कौन बाजी मारता है अंत में।
जरा 2 मिनट का टाइम दिया है, जल्दी से बता दो, फिर मामला काफी गंभीर हो जाएगा। गुंजन, क्या उस डेट से ये चीज हुई है, 1 अक्टूबर से डेप्रोसिएशन वाली? आप लोग भी टीडीएस और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अरे बड़े भाई, मैं वो कैश विड्रॉल ये सब चीज आप जो बोल रहे हैं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ जो मैंने क्लास में आपको कवर करवाया था अभी अपने लेक्चर्स में। जल्दी बताओ, 1 अक्टूबर 2019 टीडीएस मैंने आप लोगों को कहाँ पे पढ़ाया था? मैंने तो पढ़ाया नहीं था आप लोगों को टीडीएस। एक डेट जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, टाइम खत्म होते जा रहा है, 20 सेकेंड ही रह गए हैं। इस डेट से एक और ऑप्शन मिलता है, मैं ये बोल रहा हूं, मेरे क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करना। इस डेट से एक और ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन क्या है? नहीं कुंजन, वो ऑप्शन क्या है? इस डेट से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है? एक और ऑप्शन है। चलिए अब आखिरी बार बोल देता हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग का है ये गेम, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब इतना बड़ा हिंट इसके ऊपर नहीं दिया जा सकता। जल्द से जल्द इतना बड़ा हिंट आपको दे दिया मैंने, ट्रांसफर प्राइसिंग का है ये गेम, जल्दी से। अभी भी आप सोच रहे हो, एडिशनल टैक्स वाला गेम, जो कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो एडिशनल टैक्स का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, वो मिलेगा एडिशनल टैक्स का ऑप्शन। बताओ वो ऑप्शन मिलेगा जो अमेंडमेंट आया है, एडिशनल टैक्स आप पे कर सकते हो, ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे आफ्टर सितंबर 30, 2019, आफ्टर 30 सितंबर 2019 के बाद ये ऑप्शन आपको दी गई है। किस ऑप्शन की बात हो रही है? प्राइमरी एडिशनल टैक्स पेमेंट की। तो 30 सितंबर 2019 के बाद ये ऑप्शन आपके हाथ में अवेलेबल होगा, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है कि जो भी आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट है उससे अगर आपको बचना है, ये अमाउंट आप पे कर दो। तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज सितंबर 2019 के बाद। सुनिए, ये 2-3 डेट्स हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस 2-3 डेट्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा और एक डेट है स्टूडेंट्स, गिफ्ट का 918, 918 वाला जो गिफ्ट है वो वाला है, लेकिन वो सितंबर का नहीं है, वो जुलाई का है। 918 का जो गिफ्ट वाला टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ठीक है, तो वो भी एक वाला अमेंडमेंट है, बस वो वाला ध्यान रखना, क्योंकि उस डेट के बाद से ही गिफ्ट प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। उस डेट के बाद ही अगर जो गिफ्ट दिया गया है उस पर ही क्या होगा, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया होगा अंडर सेक्शन 918, ठीक है। तो ये 2-3 बेस्ट डेट्स हैं जो कि मैंने आपको बस बता देना है, तो ठीक समझा है। तो बस ये चीज, ये वाला डेट है 1 अक्टूबर 2019, सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला डेट याद रखना वहां पे कि वो डेट के बाद ही ऑप्शन मिल रहा है, और तीसरा स्टूडेंट्स 918 वाला डेट कि वो डेट के बाद ही गिफ्ट अगर इंडिया के बाहर आपने नॉन रेसिडेंट को दिया है तो फिर वो इनकम माना जाएगा एज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ये कॉन्टेक्स्ट में होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, नहीं रिपोर्टेड होता तो फिर उस वजह से ये होगा, बिल्कुल सही। अब आइए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में। अब इसमें नोटिस करना, यहां पर आपको दे दिया गया, अब नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स एक चीज को लेके, इसके कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इसके कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। कौन से कंडीशन है स्टूडेंट्स? अब हर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मान के चलो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अपने आप को सेटअप करवाई है, बताइए कब सेटअप की होगी? अभी हाल फिलहाल में, लेकिन 1 अक्टूबर 2019 के थोड़े दिन पहले। उन पे क्या गुजरा होगा आप सोचो, उनके बारे में कभी आपने सोचा है कि उन बेचारों पे क्या गुजरा होगा जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करवा दी है, बताइए कब? 1 अक्टूबर 2019 के पहले। तो एक बोलता ना कि ये किस्मत की बात होती है, स्टार साइन डेस्टिनी, ये सब चीज इसी टाइम पे काम आता है कि 1 अक्टूबर नहीं, उनका सेटअप डेट था 30 सितंबर 2019। अब बताओ 30 सितंबर 2019 को उन्होंने सेटअप करवाया, और सेटअप करवा के प्राइमरली क्या कर दिया उन्होंने इन दिस कॉन्टेक्स्ट, शुभारंभ करवा दी स्टार्ट, और फिर पता चल रहा है कि 1 अक्टूबर से अगर मैं करता सेटअप, अगर स्टार्ट होता तो फिर मुझे ये 115 BA के सेक्शन, BAB के सेक्शन में
अनगिनत सालों के लिए मुझे 15% का रेट मिल सकता था, एंड दैट इज द रीजन वाई वॉट दीज पीपल विल देन ट्राई टू डू, ये अपने आप में एक रीस्ट्रक्चरिंग लाएंगे। मतलब कंपनी का नाम था ए लिमिटेड, अब वो बंद करके वो बना देंगे बी लिमिटेड, बी लिमिटेड बना देंगे, ताकि बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ा होता है भाई, एक दिन के लिए हम चले जाए कहाँ पे 30% वाले रेजिम में, जबकि या फिर जबकि मुझे मिल सकता है 115 बी ए बी में, कितने में, 15% में। हाँ आप बोल सकते हो कि सर आप 30% क्यों बोल रहे हो, वो तो 115 BAA में भी जा सकता है, जा सकता है, लेकिन भाई 15% का लालच तो बहुत ज्यादा ही है लालच है, 10% का डिफरेंस आउटराइटली दिख ही रहा है। तो इस वजह से ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट में स्टूडेंट ध्यान रखना, ये वाला कंडीशन है ये टेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन में, दे कैन टेस्ट दिस कंडीशन, यही वाले कंडीशंस को लग के क्यों हो रहा है, मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बता दिया ये क्यों ये पर्टिकुलर कंडीशन को हरकत में लाया जा सकता है, दिस इज द रीजन। तो अगर आप नोटिस करना, इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, वही जो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड करवा दिया। अब उसी पॉइंट नंबर 3 का सप्लीमेंट्री पॉइंट देखना स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री पॉइंट मतलब उसी को सपोर्ट कर रहा है आने वाले सब फॉलोइंग पॉइंट्स, व्हाट आर दे, पॉइंट नंबर 4, इट डज नॉट यूज एनी अदर मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस, मतलब कि पुराने मशीनरी को लेके अगर आपने शुरू कर दिया है तो एक तरीके से क्या समझेंगे कि भाई आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के ही कॉन्टेक्स्ट से आपने क्या किया है, एक तरीके से इसको स्प्लिट किया है या रिकंस्ट्रक्ट किया है सो एज टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस 15% रेट, एंड इट डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज अ होटल और अ कन्वेंशन सेंटर प्राइमरी। तो बॉटम लाइन स्टूडेंट्स यही है इस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे बॉटम लाइन क्या होगा कि यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है ये स्प्लिट अप नहीं हुआ है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस, इस पे उनको बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप लेके अल्टीमेटली वो जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि बहुत लोग अल्टीमेटली जिन्होंने हाल फिलहाल में क्या है अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू की होगी उन पे क्या बीतती होगी ये आपके सामने, अब मैंने बता दिया 115 BAB का 15% का सुनहरा मौका कहाँ पे, और अदरवाइज 30% या फिर 25% वाले रेट्स में, तो आप देख ही रहे हो इस वजह से ये कंडीशंस पे आपको घुमाएंगे एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू लेवल पे चांसेस है इसका, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, इसी को लग के उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है उसको डिफाइन किया है, आपको शायद पता भी होगा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है वो तो बताया नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज एक्सक्लूड होगा वो उन्होंने बताया। नोटेबली सबसे नोटेबल फीचर स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर्स को लेके एक चीज है सबसे नोटेबल स्टूडेंट्स क्या है मालूम है, ये प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस मतलब कि ये बुक्स प्राइमरी पकड़ के चलो, अदरवाइज देखा जाएगा तो एक सीबीडीटी मातृभूमि का एक जजमेंट भी था, आईसीआर ने कवर भी किया है मातृभूमि प्रेस के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने बोला है कि प्रिंटिंग प्रेस की जिसका क्या है, प्रिंटिंग प्रेस जिसका अल्टीमेटली बिजनेस है उनके लिए क्या है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और बात सही भी है, ये वाकई में मैन्युफैक्चरिंग ही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के वो दोनों टेस्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस 115 BAB का स्कोप को लिमिटेड करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन को अमेंड करवाया है, और सबसे नोटेबल उन्होंने प्रिंटिंग वाले कैटेगरी को बाहर निकाल दिया, प्रिंटिंग वाले कैटेगरी को बाहर निकाल दिया गया, मतलब कि प्रिंटिंग वाला कैटेगरी स्टूडेंट्स उसको आप मैन्युफैक्चर नहीं मानेंगे, और अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं है तो आपके सामने स्टूडेंट्स यही चीज हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि 115 BAB का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स पर्टिकुलर पॉइंट है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। नाउ पॉइंट नंबर 6 में, यहाँ पे इट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग एंड द रिसर्च इन रिलेशन टू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई भी दूसरा बिजनेस में इन्हें एंगेज नहीं रखना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के कोई दूसरे बिजनेस में ये कंपनी का एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, सो मैन्युफैक्चर ऐसा नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों बिजनेस नहीं होगा, ये कंपनी का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना जाए ताकि मेक इन इंडिया का जो उनका गवर्नमेंट का एक फोर्स है उसको अल्टीमेटली एक तरीके से क्या मिले, एक तरीके से बल मिले। 115 BAB AA में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहां पे इसमें तो कोई कट ऑफ डेट का कोई गेम ही नहीं है,
मैंने कहा ना, मैं भी अगर 2003 की कंपनी हूं मैं, और मैं आज की तारीख में 115BEE में अगर ऑप्ट करना चाहूं तो क्या कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले बिजनेस हो और आप 115BEE में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला का केस किसके लिए एप्लीकेबल होगा? 115BEE के लिए, और हाँ 115BEA के लिए भी होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट, उसका 2016 का डेट था जो हमने देखा था, इनकॉर्पोरेशन वाला डेट। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, 115BEA को नहीं करें एनालाइज, प्राइमरी वही ठीक रहेगा। हम इन दोनों में ही कंपेरिजन करते हैं, 115BEE में। तो ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं, तो अगर, क्योंकि जब उसका कोई सेटअप का कोई कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे, नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, तो बोथ द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड द न्यू कंपनी कैन अवेल दिस बेनिफिट, तो बाकी बाय डिफॉल्ट ये सारे कंडीशन क्या हो गए? अपने आप में चले जाएंगे, रहेंगे नहीं। क्योंकि ये सारे कंडीशंस का क्या फोकस पॉइंट है? फोकस पॉइंट यही है कि बस हमें इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्ट करके, वो क्या है, दैट इज नॉट बिन सेटअप और रिकंस्ट्रक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर 115BEE। 115BEE के लिए अपने आप को बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट तो नहीं किया है, बस उनका मकसद यही होगा। अब अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6 में, इस कॉन्टेक्स्ट में, कॉमन कंडीशंस फॉर ऑल द सेक्शंस फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एंड द एग्जेम्पशन फ्रॉम मैट। तो व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस, ये देख लेते हैं सब लोग के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैंने क्या आपको कहा था कि एक्स्ट्रा आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अपने हैसियत की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले रहे थे, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको एक तरीके से त्यागना पड़ेगा। व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा, बाय द वे ये ध्यान रखना, अब जो हम कंडीशंस की बात करेंगे ना, वो सबके लिए कॉमन है, भले वो 115BEE हो, 115BEE हो, या 115BA हो, सबके लिए सेम है। देखते हैं व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा इंसेंटिव। ये सारे एक्स्ट्रा वाले प्रोविजन है। 10AA प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, भूल जाइए 10AA, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन। सेम इज ऑल्सो द केस विद 32 12A, एडिशनल डेप्रिसिएशन को भूलना होगा। हाँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, तो देयर फॉर इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में भूलना होगा आपने। 32AC, 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये निकल जाएगा। 33AB ये भी निकल जाएगा। तो यहां पे आपको जो आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन जो लिया है बाय इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन दैट स्पेसिफाइड एरिया, जो कि आपको चार राज्य के बारे में पता है, उसके नोटिफाइड एरिया में जो इन्वेस्ट करके आपने ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया है वो आप भूल जाए। नाबार्ड में पैसा जमा अगर आपने किया है तो 33AB का डिडक्शन प्राइमरी है, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग का केस ही तो है। 33AB अगर आप देखोगे एक तरीके से, 33AB है क्या? इट्स नथिंग बट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अलाउंस 33AB है, जहां पे नाबार्ड में पैसा जमा करके आप क्या कर रहे हो, 33AB का डिडक्शन ले रहे हो, विच इज मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ PGBP अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड। उसको कंपेयर करते हो किसके साथ, विद 40% ऑफ PGBP। तो एक जो पैसे नाबार्ड में जमा करने पे जो आपको डिडक्शन दिया जा रहा है वो आपको भूलना पड़ेगा। पैसे जमा करने पे जो आपको नाबार्ड में डिडक्शन दिया जा रहा है, 33AB में डिडक्शन दिया जा रहा है, वो आपको भूलना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मजेदार बात आप ध्यान से सुनना, अभी का जो एग्जिस्टिंग स्कीम है 33AB का, वो क्या है कि जब मैं पैसे जमा करता हूँ नाबार्ड में तब तो मुझे डिडक्शन मिल जाता है। एग्जिस्टिंग स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और जब मैं वही पैसे को नाबार्ड अकाउंट से विड्रॉ करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ इनकरिंग द एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, मेरे लिए डिसअलाउ हो जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस प्रपोजिशन। वो पैसे को मैंने विड्रॉ करके क्या किया है, एक एक्सपेंडिचर इनकर किया, दैट एक्सपेंडिचर विल गेट डिसअलाउड। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग स्कीम में हूं तो ऐसे ही चलूंगा, पैसे जमा करो नाबार्ड में, डिडक्शन ले लो इस साल में, और जब सब्सिक्वेंट ईयर में जब पैसे उस नाबार्ड अकाउंट से विड्रॉ किए जाएंगे तो फिर जब मैं उससे खर्चा करूंगा तो खर्चे पे क्या हो जाएगा, डिसअलाउंस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे अगर ये सारे सेक्शंस के अंदर अगर आ जाऊं तो फिर क्या होगा, जब मैं पैसे को नाबार्ड में जमा करूंगा तब तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं डिडक्शन आपको 33AB में नहीं मिलेगा। तो आपको डिडक्शन 33AB में नहीं मिलेगा जब आपने पैसे जमा किया नाबार्ड में, लेकिन वही नाबार्ड अकाउंट से जब मैं विड्रॉ करके खर्चा करता हूं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो क्या फिर उस खर्चे का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, और ये डिडक्शन मैं क्लेम करूंगा कहां पे, 37(1) में। तो दैट डिडक्शन विल बी गिवन टू मी इन 37(1).
तो एक तरीके से जो नाबार्ड की वजह से, जो 33AB के स्कीम की वजह से, जो मुझे जो कल जो डिडक्शन मिलना था खर्चे करके, आज जो मुझे मिल रहा है डिपॉजिट करने पे, वो स्कीम मेरे हाथ से निकल जाएगा इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर 115BAB, BAA और BA सेक्शंस। अगर मैं इनको ऑप्ट कर दिया तो फिर 33AB भूल जाओ। और 33AB में क्या होता था, गेम मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये वाले सेक्शंस में आप नोटिस करना, ये जो 35, 12, 12A, साइंटिफिक, ये सारे डोनेशन देने पे क्या हो रहा था, डिडक्शन मिल रहा है आपको। आप एक चीज की नोटिस और एक बात करेंगे स्टूडेंट्स, देयर इज वन सेक्शन 80GGB, आपको पता होना चाहिए। बताइए 80GGB क्या है? कि वही साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को अगर मैं क्या करता हूं, डोनेशन देता हूं, तो फिर मुझे डिडक्शन 80GGB में भी मिल सकता है। सो आई कैन बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80GGB। तो एक चीज नोटिस करना क्या होगा कि ये सारे सेक्शनों से ये वेटेड एवरेज निकल गया हाथ से, डोनेशन पे ये सारे वेटेड एवरेज निकल जाएगा हाथ से, लेकिन मुझे डिडक्शन मिल सकता है चैप्टर 6 से में 100%, 100%, लेकिन कहां पे, 80GGB में। तो यू विल बी आउट फ्रॉम द वेटेड एवरेज, मतलब आपने 35 का डिडक्शन भूल जाओ। और ये खर्चे का डिडक्शन अब आपको बताओ कहां मिलेगा, ये खर्चे का डिडक्शन आपको मिल रहा है इन 80GGB, 100%। और यही पर्टिकुलर पॉइंट बनता है एज फार एज दिस 35, 12, 12A एंड 13 इज कंसर्न। तो प्लीज नोट करना ये पर्टिकुलर पॉइंट को, आप अगर हो सके तो इसको नोट करते हुए चलना कि चलो क्या हुआ, ये हाथ से निकल गया, नहीं मिल रहा डिडक्शन, लेकिन वेटेड एवरेज निकल जाएगा। अदर देन दैट, जो 100% डिडक्शन है इस खर्चे का, इस डोनेशन का, वो आपको मिलेगा प्राइमरी कहां पे, चैप्टर 6A के अंदर। बस यही पर्टिकुलर पॉइंट होगा, तो ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। वेटेड एवरेज से लेकिन हाथ धो बैठोगे, वो पक्की बात है। 35 2AA, ये तो आपको पता है, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, तो यहां पे 35 2AA हुआ है, ये भी अगेन वेटेड एवरेज आ गया उस कॉन्टेक्स्ट में। फिर 35 2AB, ये वाला सेक्शन स्टूडेंट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा साइंटिफिक रिसर्च में, 35 2AB, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से सप्लीमेंट करता है। ये वाले दो वाले पहले वाले दो पॉइंट, ये डोनेशन के लिए था, ये जो मैंने बॉक्स में डाल दिया है दैट इज फॉर डोनेशन। सो दिस इज मेंट फॉर द डोनेशन पार्ट, ठीक है, डोनेशन वाला। ये वाला है, ये आपने साइंटिफिक रिसर्च, आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया हुआ है, खुद से आपने एक्सपेंडिचर को इनकर किया है। तो एज सच ये सेक्शन की वजह से मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल रहा था, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग को छोड़ के, बिल्डिंग एंड लैंड को छोड़ के, क्योंकि बिल्डिंग का जो डिडक्शन है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना इसको, 35 2AB आपको पता होना चाहिए। जहां तक बिल्डिंग, साइंटिफिक रिसर्च डिविजन की बिल्डिंग बन रही है, उसके कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा लगा है, उसका आपको डिडक्शन 35 2AB में नहीं होके 35 के नॉर्मल सेक्शन में, लेकिन 100% डिडक्शन आपको दे दिया जाता था, 100% डिडक्शन आपको दे दिया जाता था। लैंड पे तो वैसे ही नहीं मिलता है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूं, तो फिर मेरा डिडक्शन बनता था, बताओ कितना, 150% इस सेक्शन की वजह से, 150%। तो अब जबकि ये सारे सेक्शन का ऑप्शन आपको एक्सरसाइज अगर करना है, तो क्या आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्या मिल सकता है? वेदर यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ डिडक्शन ऑफ अ कैपेक्स, एंड द आंसर इज नो। आप कैपेक्स तो भूल ही जाए, क्योंकि ये सेक्शन के छत्र छाया में आपने कैपेक्स का रिडक्शन का बहुत लाभ लिया है। लेकिन जब आप 115 BA, BAB, BAA के रेजिम में आते हो, तो क्या बोला जाता है कि ये सेक्शन को आपको हटाना पड़ेगा, तो हटा दो सेक्शन को। तो फिर क्या होगा कि जब जब मैं ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करूंगा, तो मुझे आउटराइट डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर मुझे आउटराइट डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो जो डिडक्शन का जो रूट होगा, जो बनाया जाएगा, जो डिडक्शन का जो रूट होगा, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। और वो भी किस रूप में, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, वो भी किस रूप में, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रहा आपको, पहले से वो ऑप्शन को हटा दिया इस सेक्शन के द्वारा। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप लेते जाए अल्टीमेटली, और वही आपके किस्मत में दिए जाएंगे। जहां तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, तो जैसे मैंने कहा कि जब तक ये छत्र छाया थी 35 2AB की, तब तो आपको 150% उसके मिल ही जाते थे। लेकिन अब क्या होगा उस केस में, अब आपको 150% नहीं होगा, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 37(1) में 100% की डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। दिस इज वॉट दिस सेक्शन विल डू नाउ।
अगर आपको ये ऑप्शन स्कीम लेना है तो एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, वो सारे एसएससी जिन्होंने एक बहुत बड़ा कैपेक्स करना है और जिनकी नजर 35 2AB में है, वो तो ये सेक्शन को अभी फिलहाल ऑप्ट नहीं करेंगे। पहले वो 35 2AB पूरी तरह से ले लेंगे और ले लेने के बाद फिर वो ऑप्ट करेंगे। कहाँ पे वो ऑप्ट करेंगे? 115BAA में, क्योंकि 115BAA ने अपना दरवाजा हमेशा के लिए खोल रखा है कि भाई आपकी मर्जी है, जब आप आना चाहो तो आ जाइएगा। तो ये ही होगा। लेकिन जिनके पास ये डिडक्शन लेने की कोई उनका कोई इच्छा नहीं है, ऑल दीज सेक्शंस का ये जो डिडक्शन लेने की उनकी कोई भी इच्छा नहीं है, तो क्या उनको क्या ये डिडक्शन का लाभ मिलेगा? एंड आंसर इज नो प्राइमरी। तो वो तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर डिडक्शन जो लेना ही नहीं चाहते एट फर्स्ट प्लेस, तो फिर उनके लिए लाभदायक हो सकता है क्या 115BAA, BA एंड BAB। दैट इज हाउ द इवैल्यूएशन हैज टू बी डन स्टूडेंट्स। तो इवैल्यूएशन उस तरीके से किया जाएगा। अपने एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, एक क्वेश्चन एमटीपी का देखेंगे जहां पे ये ऑप्शन मैंने आपको बताया कैसे वो ऑप्ट कर रहा है। 115 35, उसी तरीके से ये वाले सेक्शन को देख लो, या फिर ये वाला देख लो 35 AD, ये भी तो हैवी डोज वाला सेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कैपेक्स का ही डिडक्शन की बात रखी गई है। तो एक चीज तो स्टूडेंट्स एकदम क्लियर है कि जहां पे कैपेक्स का डिडक्शन है, आदमी डेफिनेटली फिसलने वाला है। वो कभी भी ये 115BAB या BAA या BA के सेक्शन में अंदर आना पसंद नहीं करेगा। वो चाहेगा कि एक झटके में पूरा कैपेक्स का डिडक्शन ले लो। कल किसने देखा है टुकड़ों में कौन जिंदगी जिए डेप्रिसिएशन के सहारे? एक साथ ही पूरा का पूरा डिडक्शन ले लो 35 AD में। तो वो भी 35 AD अगर बड़ा अमाउंट है तो डेफिनेटली दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर, व्हाट योर 115BA, या BAB या BAA। जैसे मैंने कहा, अपना मतलब वो निकाल लेंगे पहले, और उनका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि पहले मैं ये बड़ा डिडक्शन ले लूं और फिर बाद में क्या, फिर बाद में मैं करूंगा एक तरीके से, ये तरीके से मैं एक पर्टिकुलर डिडक्शन का ले लूंगा, सॉरी, फिर बाद में मैं 115BAA के ऑप्शन के कॉन्टेक्स में मैं क्या करूंगा, बैकडोर एंट्री मारने वाला हूं। सो देर वुड बी अ बैकडोर एंट्री दैट वुड बी मेड। तो ये बैकडोर एंट्री वाला ही गेम खेली जाएगी स्टूडेंट्स 115BAA के द्वारा, ठीक है? तो ये मतलब निकल जाने के बाद, मतलब वाली दुनिया एट द एंड ऑफ द डे। 35CCC, भूल जाइए इसको भी, प्राइमरी भूलना होगा स्टूडेंट्स। AIA से लेके कहां तक ATRRB, मतलब ये सारे के सारे क्या है, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन। ये जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन जो आपको स्टूडेंट्स मिल रहा है यहां से, तो ये प्रॉफिट लिंक डिडक्शन को भी आपने भूलना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसी दरमियान ये रेंज भी आ रहा है। बताओ किस रेंज की बात हो रही है? ATJJA, और ATJJA का क्या डिडक्शन मिलेगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी तो बहुत जरूरी है जनाब। गवर्नमेंट समझती है कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट का इंसेंटिव तो बरकरार रखना ही पड़ेगा, तो उतना तो हम भी अल्टीमेटली मानते हैं कि भले ही 15% हो जाए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को अभी भी क्या है, रोजगार को, नए रोजगार के नए पर्टिकुलर एक नए पर्टिकुलर एरियाज एवेन्यूज हमें तो डालने पड़ेंगे। इस वजह से ATJJA को वो कभी हिला देंगे। दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन कंडीशन हो गए। अब आ जाइएगा ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो देख रहे हो, ये पॉइंट नंबर 2 एंड 3, ये है ना, MCQ लेवल पे डाल सकते हैं। अब वो कैसे डालेंगे, एक बार कोशिश करते हैं समझने की कि क्या बोलने की वो बात कर रहे हैं। लेट्स फर्स्ट रीड दिस वन आउट। सेकंड कंडीशन पे आ गया मैं। पहला कंडीशन में ये सारे जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो आपको अपने हैसियत की वजह से मिल रही थी, उसको आपको त्यागना होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में आ रहे हैं हम लोग, जो सेकंड कंडीशन है। देखो क्या लिखा है, विदाउट द सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, इफ सच लॉस इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी डिडक्शन लिस्टेड इन वन अबव। ये बहुत एक भयंकर एक्सरसाइज करनी होगी। मैंने अभी अभी क्या बोला, प्रैक्टिकल अप्रोच ही तो कहा मैंने आपसे। 115 मतलब के इंसान हो आप, गवर्नमेंट नहीं समझती है कि SSC भी मतलब ही इंसान होते हैं, और फिर ऐसे केस में वो क्या करेंगे, पहले 35 AD का एक बड़ा डिडक्शन ले लिया और उससे 1000 करोड़ का डिडक्शन पहले ले लिया हमने। रिएक्शन लेके अब अच्छा फील कर रहा हूं, क्यों? लॉस एक बहुत बड़ा जनरेट हो गया, ठीक है, जो मेरा मतलब अब बन गया। अब अगले साल मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, और अब मैं 115BAA में आना चाहता हूं कि अब मुझे आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है,
हो गया जितना अल्टीमेटली मुझे इस जिंदगी में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी मैंने कर दी अपनी तरफ से। अब अगले साल बताइए वो आने की कोशिश करेंगे कहाँ पे, अंडर 115 BAA। तब 115 BAA आपको रोकेगा, रुक जाइए। प्राइमरी पहले आप एक एक्सरसाइज आपको करना होगा, और वो एक्सरसाइज बताओ क्या होगा कि ये जो लॉस जो आप ब्रॉड फॉरवर्ड इस साल कर रहे हो उसको स्प्लिट करना है, इसको कहते हैं हेयर स्प्लिटिंग। प्राइमरी आप करते हो खाली समय पे, तो उसी तरीके से ये क्या है, हेयर स्प्लिटिंग वाली एक्सरसाइज अल्टीमेटली करनी है आपने। और वो क्या करना होगा कि इस पूरे लॉस में ये डिडक्शन की वजह से कितना पर्टिकुलर लॉस इसके अंदर शामिल है वो आपको क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भी उस तरीके से अल्टीमेटली क्या है, अपना भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है, उसे पता है कि आप क्या गेम खेलने की कोशिश करोगे और उसको काउंटर में कैसे करना है। तो जो लॉस आप ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे और उसमें से फिर हमें उतना पोर्शन ऑफ द लॉस को निकालना है जो कि एट्रिब्यूटेबल है किससे, प्राइमरी इन सारे डिडक्शनों से। तो एक तरीके से एसएससी पहले क्या करेगा, जबकि अगर ऐसा ही करना है तो एसएससी बोलेगा कि पहले वो जो लॉस का जो रहेगा कोशिश करेगा कि वो जितने भी लॉस है उसमें से बताएगा कि ये लॉस जो पहले सेट ऑफ जो हो चुके हैं वो मैक्सिमम, हमेशा क्या कोशिश करेगा कि जो लॉस सेट ऑफ हो चुके हैं वो 35 AD के लॉस हो, वो डिडक्शन की वजह से जो लॉस है वही सेट ऑफ हुए हैं, ताकि जो ब्रॉड फॉरवर्ड वाला जो लॉस है वो कोशिश करेगा इट इज अदर देन क्या, 35 AD वाला लॉस। कोशिश तो एसएससी की वही रहेगी प्राइमरी। और इसी तरीके से टैक्स प्लानिंग करना होगा, लेकिन चलो टैक्स प्लानिंग की बात तो एक अलग चीज होगी, लेकिन प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स यही चीज है कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसमें इन सारे डिडक्शन की वजह से लॉस कितना हुआ है वो एसएससी को स्प्लिट करना होगा, और उतना हिस्सा क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वुड बी ऑल अबाउट। तो ये आपका नोट नंबर 2 है जो कि आप लोग ध्यान रख के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली नोट नंबर 2 आने वाला है आपके पास थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन ऑफ 115 BAA, 115 BAA, क्योंकि बैकडोर एंट्री सब लोग 115 BAA से मारने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ स्टूडेंट्स, तीसरे कंडीशन पे, बाय क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 डिटरमाइंड इन प्रिस्क्राइब मैनर, हाउएवर एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम। ये तो चलो मैंने बता ही दिया था। नोट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है, अ डोमेस्टिक कंपनी एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BAA शैल नॉट बी अलाउड टू क्लेम सेट ऑफ ऑफ एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वॉट, एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर एन AY फॉर विच द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज एंड फॉर एनी सब्सिक्वेंट AY। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का नहीं मिलेगा, सिंस देर इज, ये ध्यान रखा, यही तो चीज मैंने कहा था स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट, सिंस देर इज नो टाइम लाइन विद इन विच द ऑप्शन अंडर 115 BAA कैन बी एक्सरसाइज, अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन मे इफ सो डिजायर एक्सरसाइज द ऑप्शन आफ्टर सेट ऑफ ऑफ लॉसेस सो एक्युमुलेटेड। मतलब कि क्या होगा, वो UAD भी आपके पास, UAD भी होगी, और UAD में भी फिर निकालना पड़ेगा, आपने क्या निकालना होगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेके आपकी UAD कितनी है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई कोई भी चीज हो, ऊपर के जो डिडक्शंस हैं उसके वजह से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो या उसके वजह से UAD हो, उतना टुकड़ा क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, वो आप अल्टीमेटली आगे खींच नहीं पाओगे फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ, दैट इज फॉर श्योर। अब यहां पे अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, MCQ में कैसे वो पूछ सकते हैं, दांव पेज ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं कोशिश करता हूं एक कुछ छोटा सा एक आपके लिए बनाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि दिस इज हाउ दिस पीपल कैन टारगेट द क्वेश्चन, बस आप लोगों के लिए एक बना देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर ये MCQ के समझ के चलना कि MCQ टाइप का कुछ रहेगा, या तो इंटीग्रेटेड MCQ के अंदर डाल दें, क्या भरोसा उनका। प्रीवियस ईयर 18-19 लास्ट ईयर, इसमें स्टूडेंट्स मान के चलो इनका जो टैक्स PNL है इसमें कुछ इस तरीके से गतिविधि देखी गई है, इनके सारे जो नॉर्मल डिडक्शंस है, नॉर्मल डिडक्शन जो लिया उन्होंने वो है इनका 70 का,
ठीक है। फिर सेक्शन 35 का जो डिडक्शन है, ये इनका 30 का है। सेक्शन 35 का जो डिडक्शन है कितने का है? 30 का है। फाइन। जो सेल्स है वो है इनका कितने का है? 50 का। करस्पॉन्डिंग इनकम 50 का। और फिर इनका ये जो लॉस हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस कितना हो गया यहां पे? 50 का। अब आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे, ये लॉस को स्प्लिट कैसे किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 में इनको 115BAA के ऑप्शन में आना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कितना लॉस उनका लैप्स हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट में कितना लॉस उनका लैप्स होगा, ये आपको पहले बताना है। इसमें से जल्दी से बताओ आपका कंक्लूजन क्या निकालोगे, अगर ऐसा दांव पेच अगर खेला गया होगा तो कंक्लूजन आपने बताना स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ आगे की कंक्लूजन आप करोगे। डेटा देने का काम मैंने दे दिया आपको, कंक्लूजन आपके तरफ से। जल्दी से आंसर देना होगा आप लोगों को, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। दिनेश ने आंसर दे दिया। बलिया का भी आंसर आ चुका है। सीमा, ये फिगर कहां से आया, ये कैसे आपने कहा 15 लैप्स हुआ है, ये कहां से आ गया भाई? ये सेक्शन 35 है भाई, सेक्शन 35 का डिडक्शन, सेक्शन 35 का अमाउंट कितना है? 30। पुष्कर, जल्दी बताओ आंसर, लास्ट के 30 सेकंड रह गए आप स्टूडेंट्स। प्रांजल का आंसर आ चुका है। और कोई आजमाना चाहेगा जल्दी से, आखिरी के 10 सेकंड। प्रिया ने भी आंसर दे दिया है, मीनल का भी आंसर आ चुका है, और फाइनल आंसर मैं दे रहा हूं, दिल थाम के रहिएगा आप। आंसर है स्टूडेंट, फाइनल है, कोई भी लॉस, नथिंग विल लैप्स। बधाई हो स्टूडेंट्स आप लोगों को, नथिंग विल लैप्स, कोई अमाउंट लैप्स होने वाला नहीं है इसमें से। तो ये क्यों, कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उनको ये होगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब अगर यही बात होगी तो जब मैं इसको स्प्लिट करूं, मैं तो यही चाहूंगा ना कि भाई सेल्स है मेरा, इसमें से मैं पहला हाथ मारूंगा किस पे? 35 के रिडक्शन पे। क्योंकि ऐसा कोई हायरार्की, देखिए जनाब एक चीज आपको मैं बता दूं, हायरार्की ऑफ सेट ऑफ जो दिया गया है वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड एंड किसके बीच में, एंड यूएडी के बीच में दिया गया है। वो हायरार्की दिया गया 72 के अंदर, जहां पे ये बोला गया है, क्या बोला गया है 72 में, ये बोला गया है कि पहले सेट ऑफ होगा ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और उसके बाद सेट ऑफ होगा यूएडी। ये हायरार्की देने का काम 72 के अंदर दिया गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 72, अपार्ट फ्रॉम व्हाट 72, ऐसा कोई हायरार्की नहीं है स्टूडेंट्स। और क्योंकि कोई ऐसा हायरार्की नहीं है जो करंट ईयर का सेट ऑफ को लेके, करंट ईयर के सेट ऑफ को लेके कोई हायरार्की नहीं है, और क्योंकि कोई हायरार्की नहीं है तो पहला मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि
कि अगर ऐसा अगर स्कीम अगर है तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, अगर ये स्कीम की अगर मैं बात करूं तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ये कहूंगा कि जो करंट ईयर का जो सेल है वो मैं करंट ईयर के 35 की रिडक्शन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करूंगा, और उसके बाद बचा कितना 20, 20 रुपए जो बचता है सेल का वो मैं बाद में एडजस्ट करूंगा विद द नॉर्मल डिडक्शन ऑफ 70, सो दैट जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस जो है करंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए जो कैरी फॉरवर्ड हमें करना है वो हम करेंगे 50 का लॉस, और उसमें से एक पाई भी लैप्स नहीं होगा, एक पाई भी लैप्स नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रायोरिटी क्या करूंगा एज अ टैक्स प्लानिंग मेजर, प्राइमरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं पहला झटका दूंगा किसको, ये स्पेशल डिडक्शंस वालों को, उसको एग्जॉस्ट करूंगा, उसको कम कर दूंगा और या खत्म कर दूंगा, जो मेरे केस में तो मैंने खत्म कर दिया डिडक्शन दे के, तो उसके बाद जो बच जाता है लॉस वो एट्रिब्यूटेबल होगा किससे, थ्रू द नॉर्मल डिडक्शन एंड नॉट थ्रू द स्पेशल डिडक्शंस। ठीक है, अगर कल अमेंडमेंट अगर हो जाए तो एक अलग बात है कि कल वो अमेंडमेंट करवा दे, ये बोले कि नहीं, जो आपका पहला सेट ऑफ का जो मैकेनिज्म होगा उसमें से आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको नॉर्मल डिडक्शन को सेट ऑफ करना है उसके बाद स्पेशल, अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तब का तब देखेंगे, आपके अटेम्प्ट के लिए या नवंबर के अटेम्प्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स कार्रवाई आपको करना है, एमसीक्यू के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, केयरफुल रहना आप लोग सब लोग स्टूडेंट्स, ये चीज मुझे बताना था आपको कि भाई ऐसे कुछ दांव पेच आईसीआई खेल सकती है इन दिस काइंड ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द सेम। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? अब आगे जाओ, जल्दी से आ जाओ, आगे वाले कंडीशंस को जल्दी से रैपअप करेंगे। अब स्टूडेंट यहां पे पॉइंट नंबर 7, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, देख रहे हो आप लोग, मैट ही नहीं रहा, 15% हम भी हो गए, मैट भी, आप भी 15% हो, तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की बात ही नहीं होगी। और बाय द वे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की फिलॉसफी भी आप जानते ही हो, जानते हो कि नहीं, क्या है फिलॉसफी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की? फिलॉसफी ये थी कि वो कंपनीज जो कि क्या करती है, एक्स्ट्रा डिडक्शन लेके क्या करती है, अपनी टोटल इनकम कम करती है फॉर टैक्स पर्पस, एंड इट पेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स, बट वर्चुअली पेज नथिंग टू दी गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। एंड व्हाई इट इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू दी गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये सारे कंपनीज क्या करती है, यही बड़े बड़े डिडक्शन ले लेके अपनी टोटल इनकम को लगभग ना के बराबर करती है, लेकिन जबकि कंपनी अपने आप में सक्षम है, बलवान है, हैसियत रखती है पे करने के लिए रिलायंस जैसे, लेकिन एक रुपया भी पे नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से पूरा जो बोझ है टैक्स का किस पे चला जाता है, कॉमन आदमी पे। और प्रिंसिपल कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या कहता है, टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू पे, जो ज्यादा सक्षम है उसको ज्यादा टैक्स कीजिए। अगर यही कंपनी जो ज्यादा सक्षम है लेकिन इतने बड़े डिडक्शन ले लेने के बाद अपनी टोटल इनकम को कम कर देती है और वर्चुअली कोई टैक्स पे ही नहीं करती है, तो फिर बात तो वही हो जाएगी कि भाई टैक्स का भार कौन अपने कंधों पे लेगा। तो इसी वजह से इनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का क्या है, कंसेप्ट लगवा दिया गया था, मैट का कंसेप्ट इनको लगवा दिया गया था। लेकिन जब अब इस सेक्शन द्वारा, ये जो सेक्शन अभी हमने किया है, इसमें जब ये बोला ही गया आपको, क्या बोला गया कि भाई आपको ये सारे बड़े डिडक्शंस आपके हाथ से छीन लिए जाएंगे, ये सारे बड़े डिडक्शंस क्या है, ये आपके हाथ से छीन लिए जाएंगे, तो बात खत्म हो गई, आप में और दूसरों में कोई भेदभाव ही नहीं रहा। तो अगर कोई एक कंपनी अगर 115BAB में या BAA में आना चाहता है, आइए, और आपको बड़े डिडक्शन को त्यागना होगा, जैसे आप बड़े डिडक्शन को त्याग देते हो आपकी टोटल इनकम भी बढ़ जाएगी, और जहां पे आपकी टोटल इनकम बढ़ गई है तो बस बात खत्म, 15% या 22% के हिसाब से देयर आफ्टर इंक्लूडिंग द सरचार्ज लोडिंग जो भी बनता है, आपको उसी हिसाब से टैक्स पे करके आप एग्जिट मारो। तो कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर दिया है, मैट को गुड बाय करवा देने का काम रखा गया है, क्योंकि मैट की अब जरूरत महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव से मैट लाया गया था वो ऑब्जेक्टिव प्राइमरी इन्होंने इस ऑप्शन द्वारा क्या कर दिया है, ये ऑप्शन द्वारा वो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा, और इस वजह से आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक अभी भी एनामोली स्टूडेंट बना हुआ, ये 115BAB में देख रहे हो आप लोग, यहां पे सॉरी BA में, BA के अंदर स्टूडेंट, ये जो BA का आप जो देख रहे हो यहां पे, ये अभी भी एप्लीकेबल है, ये अभी भी मैं बता रहा हूं, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में एकदम बताया था,
कि ये अपने आप में फैक्चुअली गलत है। ये गलती उन्होंने सुधारा है किसमें मालूम है, 115BAA में, देखो 115BAB में, लेकिन इसमें अभी तक अमेंडमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि उनको भी शायद अब रियलाइज हो चुका होगा क्या कि कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आ रही इंडस्ट्री से, और रिप्रेजेंटेशन कभी आने वाली भी नहीं है इंडस्ट्री से। क्यों नहीं आने वाली है? कि कोई 115BA को ऑप्ट करेगा भी नहीं, और इसी वजह से ये कभी अमेंडमेंट शायद होगा भी नहीं, बस ऐसे ही बना रहेगा भूत जैसा एक सेक्शन 115BA का, और एप्लीकेबल मैट दिखेगा। तो इसका मतलब कि अगर 115BA का कोई अगर ऑप्शन ऑप्ट करता है प्राइमरी, तो उसको कंप्यूट तो करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी एज पर 115BA का रेट के हिसाब से कर लो, और साथ ही साथ बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन और मैट की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, जो कि मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली कोई कंपनी अब नहीं करने वाला, क्योंकि सबके हाथ में मिनिमम बेयर मिनिमम अगर मुझे ऑप्शन अगर मुझे लेना भी है तो मैं ऑप्शन किसका लूंगा, 115BAA का, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऐसा क्यों होगा। तो ये बात बनेगी स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। प्रांजल मैंने PDF तो पहले ही भेज दिया, PDF मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में ये दे दिया है, यही PDF। आइए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 9, अच्छा पॉइंट नंबर 8 में देखना, अवेलेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ ऑफ मैट क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द अर्लियर ईयर। बताओ क्या जब अब मैट ही नहीं होगा तो क्या फिर मैट क्रेडिट का क्या मैं एडजस्टमेंट करवा सकता हूँ? एंड द आंसर इज नो। तो ब्रॉट फॉरवर्ड मैट क्रेडिट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट 115BAA, ब्रॉड फॉर मैट क्रेडिट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट 115BAA, ठीक है। और आखिरी में देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर ट्रांजैक्शन विद पर्सन हैविंग अ क्लोज कनेक्शन, ये आप अपने एंड पे ही वो कर देना, फेयर प्रॉफिट लाना है हमें, मतलब कि वही ATI वही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने एंड पे रीड करेंगे। ये पॉइंट नंबर 10 पे एक बार आना, पॉइंट नंबर 10 पे ध्यान दीजिएगा। आइए पहले 115BA, 115BA स्टूडेंट्स, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड अप्लाई इफ द बेनिफिशियल ओनर वुड एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर। बताओ क्या एक्सरसाइज करेंगे? इन द प्रिस्क्राइब मैनर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) फॉर फर्निशिंग द फर्स्ट ROI फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू AY 2021 और एनी फॉलोइंग AYs, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड अप्लाई इफ द बेनिफिशियल ओनर वुड एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1) फॉर फर्निशिंग द फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू AY 2021 और एनी अदर फॉलोइंग AY। लेकिन जो होगा स्टूडेंट उसका पहला रिटर्न में होना चाहिए, वो पहला रिटर्न AY 2021 हो या पहला रिटर्न आने वाले AY में हो। आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि वो उसी 1 अक्टूबर 2019 को ही इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, बहुत सारी कंपनी अगले साल शायद इनकॉर्पोरेट हो जाए। जब भी आप इनकॉर्पोरेट हो जाए, क्योंकि आपको 2023 तक का क्या है ऑप्शन दिया गया है, आप ये विंडो जो है 1 अक्टूबर 2019 से लेके 2023 तक का जो विंडो है उसके बीच में कोई भी साल में अगर आप इनकॉर्पोरेट होते हैं तो आपका उस साल का जो पहला रिटर्न है उस पहले रिटर्न में आपको ये ऑप्शन को फ्रीज करना होगा। अगर आपको 115BA के अंदर 115BAB के अंदर आना है तो, लेकिन मन चंचल है, ये बात तो सही है, डिडक्शन बड़े आपको दिख रहे हैं तो आप हो सकता है कि भाई फिसल जाओ वो डिडक्शन देख के, और आप बोलो कि नहीं भाई 115BAB का ऑप्शन हमें नहीं लेना क्योंकि बड़े डिडक्शन आपको ज़्यादा प्यारा दिख रहा है जिससे आप अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट को कम कर पाओ। ठीक है आपकी मर्जी प्राइमरी, तो आपको कौन रोक पाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना बैकडोर एंट्री के लिए फिर आप रेडी हो जाएंगे, और वो बैकडोर एंट्री कौन देगा आपको? 115BAA आपको बैकडोर एंट्री देने वाला है। लेकिन 115BAA में भी गवर्नमेंट ने भी अपने आप को सेफ गार्ड कर रखा है। कैसे सेफ गार्ड कर दिया? जो अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था ब्रॉट फॉर लॉस में उन डिडक्शन का कितना योगदान है वो क्या हो जाएगा, अपने आप में लैप्स हो जाएगा। दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि एग्जैक्टली इसको किस तरीके से स्कीम देखी जा रही है, जिस तरीके से आपने पढ़ा था इसको उस तरीके से स्कीम नहीं है स्टूडेंट प्राइमरी। तो ये सिचुएशन स्कीम ध्यान रखना है, ये किस तरीके से मूव हो रहा है ये ध्यान रखना है वो आपको प्रैक्टिकली, इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना 115B, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, किसकी 115BAA की, ये तो मेरी मर्जी है भाई। 2003 का मैं आदमी था और आज मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, आज करो कल करो जब भी करो ये तो आप पे निर्भर करता है। लेट्स हैव अ लुक, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड अप्लाई इफ द बेनिफिशियल ओनर
वुड एक्सरसाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1) फॉर द फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू पहले साल. ये पहला साल इसका जो ऑप्शन जो होगा बताइए किस साल का होगा. द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ऑप्शन वुड बी द प्रीवियस ईयर 2021. ये बार 2021 और उसके आगे वाले कभी भी आप चाहो तो उसको ऑप्शन ले लो. ये वाला ध्यान रखना फ्रेंड्स. यहाँ पे 115 बीए में भी यही बात रखी गई थी कि भाई आपको अपना ये कर लेना. बहुत लोग कुछ लोग होंगे जो बीए के लालच में शायद हो सकते हैं पहले आ चुके होंगे. बीए का लालच देख के पहले आ चुके होंगे पिछले सालों में बीए के लालच में. इसका स्टूडेंट्स बस यही पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है. बस ये एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट है. जो लोग अटक गए हैं वो कैसा महसूस फील कर रहे हैं. बहुत घुटन सी महसूस हो रही है. जो लोग अटक गए उनकी बात हो रही है. कौन लोग अटक गए हैं जो 115 बीए का ऑप्शन लेकर अटक चुके होंगे. फिर उनको पता चला कि क्या कि यार फाइनेंस एक्ट 2019 में 115 बीए भी आ चुका है. चलो बीए भी तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग 1 अक्टूबर 2019 के पहले की है. इस वजह से आप 115 बीए के ऑप्शन में चले थे. Isn't it? 115 BA भी छोड़ दो लेकिन 115 BA BAA पे तो आपकी नजर चाह रही है. लालच बन रहा है कि यार 115 BAA का ऑप्शन में 22% का रेट है. हम लोग 25 पे बैठे हुए. बेस रेट हमारा 25 उनका 22 है बेस रेट. वो देख के उनको बहुत ये फील हो रहा है कि ये तो हमसे धोखा हुआ है. तो गवर्नमेंट ने बोला कि धोखा नहीं आपके लिए हमने विंडो तैयार कर रखा है. देखो स्टूडेंट्स ये विंडो क्या है ध्यान से देखना. पहले तो पढ़ लेते हैं प्रोविजन पढ़ लेते हैं उसका. The provision of this section would apply if what? If the beneficial owner would exercise in the prescribed manner on or before the due date under 139(1) for furnishing the ROI for any previous year relevant to ABY 2021 or any following ABY. Once the above option is exercised, it would apply to the subsequent ABY. ठीक है, तो subsequent ABY में चला जाएगा. लेकिन वो अटक जाएगा फिर बुरी तरह से. फर्दर वंस एक्सरसाइज इज एनी प्रीवियस ईयर देन इट कैन नॉट विदड्रॉ फॉर द सेम और एनी. वही मैंने अटक गया बेचारा और उसको वो फीलिंग आ रही होगी या तो बुरी तरह से फंस गया मैं यहाँ पे आके. क्यों? क्योंकि एक 115 BAA मुझको दिख रहा है जहाँ पे उसका बेस रेट 22 है मेरा बेस रेट 25 है. तो उसको वो लग रहा होगा कि मैं तो बुरी तरह से फंस गया. इस वजह से गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए नोट डाला है. और देखो स्टूडेंट ये नोट क्या है. The company once exercised the option for any previous year, then it cannot be withdrawn for the same or any previous year. ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है. ये बहुत important है. This particular point. और ये वाला point आपको examination में आ सकता है. Further, where the person exercised option under 115 BAA, the option under 115 BAA may be withdrawn. इसी context में क्या है? आपको withdraw करने का मौका मिला है. जो आपको लग रहा था ना बहुत एक गिल्ट फील हो रही थी और लग रहा था कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई बात नहीं आप 115 BAA में चले आए फ्रेंडली और हम 115 BA को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर रहे हैं. तो ये इस तरीके से पॉइंट बना हुआ है स्टूडेंट्स. ये सिचुएशन में ये ऐसे लैंग्वेज पढ़ के आपको क्लिक हो जाना चाहिए. गवर्नमेंट भी चाहती है कि 115 BAA अपने आप में क्या हो गई है रिडंडेंट हो गई है. बोलेगी नहीं गवर्नमेंट लेकिन लिख के समझ में आपको आ जाना चाहिए कि एक तरीके से क्या करने की कोशिश की जा रही है. दे आर ट्राइंग टू मेक 115 BA एज अ रिडंडेंट प्रोविजन ऑल टुगेदर. बस यही पॉइंट है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि आपके साथ चर्चा करनी थी मुझे. अब यहां पे अगर आप देखोगे एक MTP में क्वेश्चन है. आपने शायद किया भी होगा. किया है कि नहीं बताओ जल्दी से ईमानदारी से. कितने स्टूडेंट्स ने किए? MTP के क्वेश्चन और आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा स्टूडेंट्स. PDF सभी लोगों को दी गई थी. बताओ
क्वेश्चन MTP 5 में आ जाओ आप लोग, ऑल ऑफ यू। MTB भी आप लोगों को दिया मैंने क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है हुआ है इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 119। कर लो, मैं आपको एक ही चीज बस बोल सकता हूँ इस पर, मैं क्या बोलूँ। इसी MTP में से आपकी किस्मत बनने वाली है, जो भी बनेगी बिगड़ेगी ये MTP तय करेगा। कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के ऊपर एक अल्टीमेटिक क्वेश्चन डाला हूँ। कोई स्टूडेंट्स जो बोल रहे सर MTP की वीडियो दे दो, तो ठीक है, मैंने दो वीडियो तो डाल दी, एक तो MTP 1 की डाली है और एक है MTP 3 की। MTP 4 की वीडियो आपको अब ये एक दो दिन में ही, कल नहीं मिलेगा, परसों मैं एक MTP 4 की वीडियो डाल दूंगा, और फिर बाद में और एक MTP 5 की वीडियो, ये वाली वीडियो भी आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में मिल जाएगी। 4 एंड 5 तुरंत मिल जाएगी, फिर 6, 7 और MTP 2, यही तीन वाली वीडियो रहेगी। तो शायद मैं वीकेंड में थोड़ा टाइम निकाल के या फिर अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे के आसपास में करके मैं कोशिश करूंगा इसको मैं रैपअप कर दूँ, ठीक है। तो ये कर लेना, आप लोग को बस बता रहा हूँ। चलो सब लोग आ गए MTP में। गुंजन का क्वेश्चन है, मतलब BA से तभी ही एग्जिट हो सकते हैं जब BAA एक्सरसाइज कर रहे हो, अदरवाइज नो, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हो गुंजन आप। सीमा, वी कैन एग्जिट फ्रॉम BA टू नॉर्मल टैक्स एट 25%। सीमा, बट विच नॉर्मल टैक्स ऑफ 25%? नॉर्मल टैक्स ऑफ 25% तो आपका टर्न ओवर बेस्ड टैक्स है, वही आप कह रहे हो ना, टर्न ओवर बेस्ड, मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप टर्न ओवर बेस्ड की कहने की अगर हम बात कर रहे हो सीमा, देन द आंसर इज नो। एक बार आप ये ऑप्शन के अंदर आप आ जाते हो, इन ऑप्शंस के अंदर आ जाते हो, फिर आप एग्जिट नहीं मार पाओगे, सो दैट इज फॉर श्योर। सो दैट 25% जो आप नॉर्मल जो बात कर रहे हो, जो कि टर्नओवर के क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको चाहिए, वो भी अपने आप में नॉर्मल वाला ही केस है, ठीक है। दैट ऑल्सो विल नॉट बी मेड अवेलेबल टू यू इफ इफ वॉट आप अगर इनके अंदर चल रहे हो तो। वैसे भी फिर इन दैट केस देन SSC, अच्छा बाय द वे, वो जो टर्नओवर बेस वाला जो 25% है, टर्नओवर बेस वाला जो 25% है स्टूडेंट्स, वहां पे तो SSC क्या वेटेड एवरेज डिडक्शंस, क्या बड़े बड़े डिडक्शंस क्या वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, उसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है जो टर्नओवर बेस वाला है, क्योंकि वो भी अपने आप में क्या 30% को सब्स्टिट्यूट करता है। तो अगर कोई एक SME होगा और वो 25% में वैसे ही है और उसको बड़े बड़े डिडक्शंस मिल रहे हैं, वो सब 35 का जो 33AB का या जो भी सेक्शंस का, तो वो कभी एग्जिट नहीं करेगा फॉर श्योर। वो बोलेगा कि भाई मुझे 25% ही, मैं ठीक हूँ, मैं SME वाले में ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे क्या मिल रहा है, ये बड़े डिडक्शन भी मिल रहे हैं और ये भी 25% है। लेकिन जहां पे वो SME को क्रॉस करता है थ्रेश होल्ड, उसका 400 करोड़ के ऊपर उसकी टर्नओवर जाती है, तब वो बेचारा अल्टीमेटली उसको फिर क्या करना होगा, फिर वो देखता रहेगा क्या कि अब तो मैं ग्रोथ तो मेरी होने वाली है, मैं आगे के आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तो फिर उस केस में फिर वो सोचेगा कि 115 BA BAB या BAB तो छोड़ी दो, BAA क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो फिर उसको BAA वो तब सोचेगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आप SME हो, आपका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर उस केस में आप 25% भी बने रहेंगे प्रैक्टिकली, और आप बड़े बड़े डिडक्शन का लाभ भी लोगे, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता रहेगा आपको, आपको 35 मिलता रहेगा, वेटेड एवरेज, ये सब बेनिफिट आप लेते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो पुष्कर, आपने जो कहा सही कहा है, कांट एग्जिट। आइए स्टूडेंट जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं और एक स्कीम जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस पे निटी-ग्रिटीज में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एडजस्टमेंट इसके PGP वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक स्कीम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी अप्रोच कैसे रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना।
अनुष्टुप चंद्रा लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? 1 अप्रैल 2017 को। एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द शुगर फर्निशेस, मैन्युफैक्चरिंग वाला केस है, फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू 31 मार्च 2020। तो स्टूडेंट्स ये डेट डाल के मैंने गेम खेल लिया। ये डेट डालने का मेरा मकसद क्या था, 115B(a) का अगर आप देखोगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो वो 2016 की बात कर रहा है। 2016 के बाद अगर आप इनकॉर्पोरेट होते हो तो 115B(a) के अंदर वो 25% वाले रेट के अंदर आप आ सकते हो। और अगर आप 115BA वाले ऑप्शन में अगर हो वहां पे, तो फिर ऐसे केस में आपको क्या हो सकता है, प्राइमरी उसमें आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि 25% का रेट है। लेकिन खतरा आपके सामने और एक चीज़ है, बताइए क्या खतरा है? आपको बड़े डिडक्शन हाथ से आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से गेम खेला गया, लेकिन डेट पे नजर रखना स्टूडेंट यहाँ पे। लेट्स प्रोसीड। नेट प्रॉफिट एज पर दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज हाउ मच? 77 लाख्स आफ्टर कंसिडरिंग दी आइटम्स लिस्टेड इन 2 to 6 बिलो। तो ये सब जो है ना, ये कंपनी इज अ मेंबर ऑफ विष्णु फूड्स एंड कंपनी इन विच मेंबर्स शेयर्स आर डिटर्मिनेट एंड देयर शेयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस आर क्लियरली नोन। द एंटायर इनकम ऑफ एओपी इज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी हैज डिराइव शेयर इनकम ऑफ ₹9 लाख फ्रॉम द एओपी। द कंपनी हैज स्पेंड 90,000 टुवर्ड्स अर्निंग सच इनकम। इसमें वाले में आपको एक रिबेट मिलता है 86 का, एओपी का क्या होगा, फुल रिबेट मिलेगा आपको ये। ठीक है, और दूसरी बात है ये बुक प्रॉफिट का भी हिस्सा नहीं बनता है। बुक प्रॉफिट वाले लेक्चर में 115JB मैट के लेक्चर में मैंने बताया था आपको, दिस ऑल्सो डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर बुक प्रॉफिट। तो ये सिचुएशन है कि इस पे जो टैक्स जब कैलकुलेट भी अगर होगी, नॉर्मल टैक्स जो कैलकुलेट होगी, फुल रिबेट आपको मिलता है इस पे। और साथ ही साथ मैंने दूसरी बात क्या कही है, दिस ऑल्सो विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 3 में स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3 में द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C ऑफ ₹62,000 फॉर ₹3 लाख। तो इनकम टैक्स प्रोविजन कितने की है, 3 लाख की है एंड 5 लाख की है। 5 लाख का है टुवर्ड्स दी शेयर इन लॉस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। पहली बात ध्यान रखना, इनकम टैक्स जहां तक है वो नॉर्मल प्रोविजन में भी डिसअलाउ होता है, और जहां तक इनकम टैक्स की बात है 115JB के बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में भी वहां पर एडबैक करना पड़ता है। शेयर इन लॉस ऑफ द फॉरेन सब्सिडरी, क्या उसकी नॉर्मल प्रोविजन में आपको डिडक्शन दी जाती है? नॉर्मल प्रोविजन में क्या डिडक्शन दी जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको 115JB में डिडक्शन मिलता है? वो भी नहीं मिलता, वहां पे भी उसको ऐड करने की बात रखी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट टू अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना है, इज ₹12 लाख। ऑफ दिस ₹4 लाख वॉज पेड ऑन 12th of December 2019 ओनली। तो ये इंटरेस्ट वाली बात होगी, ये 43B। अच्छा, ये 43B का जो गेम होगा, जो 43B का जो गेम अगर खेला जाएगा इन दिस रिगार्ड, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 43B सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल आप करते हो, ओनली फॉर नॉर्मल प्रोविजन। 43B की कोई एप्लीकेबिलिटी है व्हाइल यू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट? एंड द आंसर इज नो। इनफैक्ट इसमें 43B का इसमें बताया गया है कि अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना, 12 लाख का। ऑफ दिस 4 लाख वॉज पेड ऑन 12th of December 2019, मतलब कि प्रीवियस ईयर 19-20 ही है, तो ये तो सेम ही प्रीवियस ईयर हुआ, सो डजेंट मैटर इन दिस केस। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है। द कंपनी कमिटेड ब्रीच ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स वाइल एक्सटेंडिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। द सिटी कॉरपोरेशन इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी एंड द कंपनी सेटल्ड द इश्यू बाय पेइंग कंपाउंडिंग फी ऑफ ₹1 लाख। तो कंपाउंडिंग फी स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे ये डिसअलाउ होगा 37(1) में, ये डिसअलाउ करने वाले हैं। तो दिस वुड बी अ पेनाल्टी, इसको एक तरीके से पेनाल्टी का रूप माना जाएगा, और पेनाल्टी का रूप मानते हुए 37(1) नॉर्मल प्रोविजन में डिसअलाउ होगा, बिल्कुल होगा। क्या बुक प्रॉफिट के इसमें ऐसा कोई एडजस्टमेंट है जिसमें पेनाल्टी अगर आप पे करते हो ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ, तो उस पेनाल्टी को आपको बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन से बाहर निकालना होगा, एड बैक करना होगा, क्या ऐसा कुछ है 115JB में? बिल्कुल नहीं। तो 115JB में ऐसी कुछ बात ही नहीं रखी गई है। ये जो बात है ये नॉर्मल प्रोविजन में टोटल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, ना कि बुक प्रॉफिट के कंपटीशन में। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस द कंपनी हैज डेबिटेड अ सम ऑफ ₹70,000 टुवर्ड्स फी फॉर डिले। फी फॉर व्हाट?
फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 234E। तो ये फी फॉर डिले है, तो फिर क्या इसकी डिडक्शन मिलती है? बिल्कुल मिलती है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल प्रोविजन में भी इसको डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सो ये डिडक्शन आपको नॉर्मल प्रोविजन में भी दिया जाएगा, दैट इज वॉट इट वुड बी। इसमें स्टूडेंट्स इन डेज के एडजस्टमेंट्स भी आ गए, ठीक है, बढ़िया एडजस्टमेंट्स इन डेज के आपको मैंने दिया है। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 10 लाख टुवर्ड्स द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये जो है ये आपको बुक प्रॉफिट से बाहर निकालना होगा प्राइमरी, तो बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 8, द कंपनी हैज क्रेडिटेड रुपीज 5 लाख टू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे भी ध्यान रखना, 115JB में आपको मैंने पढ़ाया था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की भी अगर फेयर वैल्यू की वजह से कोई चेंजेस अगर आती है तो वो चेंजेस को आप कैप्चर नहीं करोगे इन कॉम्प्यूटिंग योर बुक प्रॉफिट, तो इसको भी आपने कैप्चर नहीं करना है। तो 0.7 और 8 आपके बुक प्रॉफिट में कैप्चर नहीं होगा, बात खत्म। अच्छा बाय द वे आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट नॉर्मल प्रोविजन, आपने तो कह दिया कि वहां कैप्चर नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल प्रोविजन में कैप्चर करेंगे कैसे करोगे भाई? ये तो कैपिटल आइटम है, ये क्या है अपने आप में, कैपिटल आइटम है, और कैपिटल आइटम जो कि नोशनल वैल्यू है क्या उसकी रिकॉग्निशन करते हो इन द नॉर्मल प्रोविजन? एंड द आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ₹1.5 लाख, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इन प्रीवियस ईयर 17-18। तो उसका 35AD का आपको उसका डिडक्शन प्रीवियस ईयर में दे दिया गया, लेकिन आपको बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन के टाइम पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट, तो वहां पे 1.5 लाख का आपको डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा 35AD का, लेकिन डिडक्शन आपने पहले से ही इसका क्लेम कर रखा था। इसका मतलब ये इशारा जा रहा है कि नॉर्मल प्रोविजन में जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे, नॉर्मल प्रोविजन में जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे उस समय पे स्टूडेंट ये 24 लाख का कोई भी, सॉरी ये 1.5 लाख का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस पे पहले ही 35AD का डिडक्शन ले लिया था। ब्रॉड फॉर्ड लॉस आपका 73A का इतना है आपको दे दिया गया 3 लाख का, ठीक है। 5 लाख है डेबिटेड टू द एक्सपेंडिचर टुवर्ड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये 35CCC वाले पर्टिकुलर प्रोविजन की तरफ बढ़ रहे हैं, वेटेड एवरेज डिडक्शन। द कंपनी सोल्ड इट्स लैंड एंड क्रेडिटेड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ₹15 लाख बींग द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट स्टूडेंट्स ऑन 31 मार्च 2019 द लैंड वॉज सोल्ड। अच्छा ये डिफरेंस है 15 लाख का, उन्होंने इस तरीके से लाया बुक्स में जो डिफरेंस आया कैपिटल गेंस का इस तरीके से लाया गया, लेकिन जैसे आपको बताया गया स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो आपको जब नॉर्मल प्रोविजन में कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मल प्रोविजन में जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या कैरिंग अमाउंट के साथ आपको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस को, या एक्चुअल कॉस्ट से आपको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस को? इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट, नॉट विद द कैरिंग अमाउंट, जो कि आपका इन डेज की वजह से जो बना होगा ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट डेट, उसका तो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। आप कंसिडर करेंगे जब आप नॉर्मल प्रोविजन में कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन जब आप करोगे, तो कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन की जाएगी बाय कंपेयरिंग सेलिंग प्राइस विद द एक्चुअल कॉस्ट, और उस एक्चुअल कॉस्ट में शायद इंडेक्सेशन देना होगा, क्योंकि रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स एंड अबाव, ये बना देगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जिससे आपको फिर इंडेक्सेशन देनी पड़ेगी। दैट इज हाउ द थिंग्स विल बी। अब क्वेश्चन ये है ना स्टूडेंट्स कि उसमें फिर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एग्जम्पशन आ रहा है, यहाँ पर एक एग्जम्पशन है 54EC का, वो एग्जम्पशन लेने की कोशिश कर रहा है। विद इन 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए सेल से, क्या 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? बिल्कुल दिख रहा है, 54EC का एग्जम्पशन मिलेगा। तो नॉर्मल प्रोविजन में जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 54EC का एग्जम्पशन मिल रहा है। क्वेश्चन ये है, शायद ये मैंने पॉइंट डिस्कस आपसे किया हुआ है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या बुक प्रॉफिट के टाइम पे, जब बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन जब मैं करूंगा उस समय पे क्या मुझे 54EC का एग्जम्पशन क्या बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में भी देना पड़ेगा? तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस लॉ हाल फिलहाल में बहुत ही रिसेंटली आया है, ICAI के जो 10 केस लॉ का जो लिस्ट अभी अभी जारी हुई है उसमें ये केस लॉ आया है। ICAI ने वो कंट्रोवर्शियल केस लॉ को रख दिया है, और वो केस लॉ क्या कहता है, बिल्कुल इसका एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें जो आपका कैपिटल गेंस बनेगा, जब एज पर द कंपनीज एक्ट जो कैपिटल गेंस बनेगा एज पर द कंपनीज एक्ट, उस पे आपको 54EC का एग्जम्पशन मिल जाएगा। टेक्निकली ये केस लॉ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एग्जम्पशन वाला जो पॉइंट है ना,
वो एग्जेम्पशन हम लोग कंसिडर करते हैं ओनली 10 वाले एग्जेम्पशन को, 54 वाले एग्जेम्पशन को कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन प्राइमरी ये केस लॉ के अंदर उन्होंने बोला है कि नहीं, अगर वो इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है और 54EC की एग्जेम्पशन बनती है, तो फिर जो कैपिटल गेन्स आपने कैलकुलेट किया है एज पर द कंपनीज एक्ट, वो कैपिटल गेन्स उतना पोर्शन जितना का एग्जेम्पशन बनता है 54EC में, उतना पोर्शन बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा, उतना पोर्शन बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट साहब से, ये टेक्निकली एक गलत केस लॉ है, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, आपको भी तो मार्क्स कमाने हैं। क्या कर कर आओगे एग्जामिनेशन में, वही लिख कर आओगे कि भैया ये केस लॉ है, अभी अभी हाल फिलहाल में आया है, ऐसा सब चीज एक माहौल बना के, माहौल बनाना नहीं है आपने, चुपचाप लिख देना है कि ये केस लॉ में ये बोला गया है क्या कि बुक प्रॉफिट में क्या होगा, ये कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन में एग्जेम्पशन की एलिजिबिलिटी होगी, विच देयरफॉर इंप्लाइज दैट दैट मच पोर्शन एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जेम्पशन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जेम्पशन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, ये लिख कर आएंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने वो केस लॉ को भी एक क्वेश्चन के अंदर डाल के रखा हुआ है ताकि आपको उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। अब देखो सोल्यूशन तो स्टूडेंट चलो ये है। अच्छा बाय द वे यहाँ पे मैंने टर्न ओवर दे दिया है, एक चीज नोटिस करना। अच्छा यहाँ पे और एक देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्स पेबल फॉर द कंपनी फॉर AY 2021। द कंपनी इज एन इंड एस कंपनी, ऑल्सो सजेस्ट वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ 115BAA। ठीक है। अच्छा बाय द वे मैंने आपको ये इशारा दे दिया टर्न ओवर का, टर्न ओवर का इशारा देने का मतलब एक चीज क्लियर है कि वो SME वाला गेम है। ठीक है, 115BA का कोई भी उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया है, तो जो स्टार्टिंग में जो हमारे दिमाग में एक शंका उत्पन्न हुई थी वो डेट देख के वो निकल गई है, क्योंकि कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ये नहीं जताया गया है कि उसने पहले साल में क्या किया, 115BA को ऑप्ट किया है। ठीक है, तो चलो 115BA पूरे सीन से बाहर, लेकिन टर्नओवर देख के उन्होंने जब आपको ये इशारा दे दिया है कि भैया उसका टर्नओवर है कितना, 390 करोड़, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर 1920 में वो एक SME कंपनी मानी जाएगी, और अगर SME कंपनी है तो फिर बताओ उसका जो जो नॉर्मल रेट है 30% से वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 25%। अब देखो कैसा गेम होगा स्टूडेंट, इसको अब क्या करना होगा, टोटल इनकम कंप्यूट करेगा एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन में जो बड़े इंसेंटिव मिलेंगे वो क्या वो ले सकता है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये 25% ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर क्राइटेरिया, तो वो सारे बड़े डिडक्शंस वो ले सकता है, और फिर वो जो टोटल इनकम आएगा उस पर 25%। स्पेशल इनकम अगर कोई है तो उस स्पेशल इनकम पे, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ सकता है यहाँ पे, तो वो स्पेशल इनकम पे आपको अपना स्पेशल रेट लगवा देना है, और उस स्पेशल रेट के हिसाब से 20% का स्पेशल रेट लगेगा ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और बैलेंस टोटल इनकम पे 25%, फिर बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन, और फिर उस पे मैट। मैट का एक ही यूनिफॉर्म रेट है 15%, उस पे आप देखते नहीं हो कि बुक प्रॉफिट में कोई स्पेशल इनकम है या नहीं, उस पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म रेट लगेगा 15% का, और फिर देखना है आपको कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। अच्छा ये देखने के बाद अब आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, आप फिर 115BAA का ऑप्शन बोला गया कि क्या उसको 115BAA में चला जाना चाहिए, लालच आपको दिया जा रहा है, तो आपको क्या देखना है कि उसकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है उस AY में। तो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी क्या कैसे आप कंपेयर करोगे, बिटवीन द नॉर्मल प्रोविजन एंड द मैट, विच एवर इज हायर, तो ये इसकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होगी। और अगर मैं 115BAA में अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या करना होगा, तो जो भी आपका टोटल इनकम है एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, उस टोटल इनकम में मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं इन्फ्लेट करूंगा, ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, दी एक्स्ट्रा डिडक्शन जो आपने लिया होगा ऑन अकाउंट ऑफ द बिग सेक्शंस, एक्स्ट्रा डिडक्शंस जो आपने लिया होगा एज पर द बिग सेक्शंस, तो वो एक्स्ट्रा डिडक्शन को आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे, और फिर आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, और उस एडजस्टेड टोटल इनकम पे बताओ क्या करोगे, स्पेशल इनकम पे 20% अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात अगर हम करें तो, और बैलेंस टोटल इनकम पे 22%, 22% नहीं, वो इफेक्टिव रेट लगवा देना आप, इफेक्टिव रेट जो बना है, और फिर देखना कि भाई 115BAA का अगर मैं ऑप्शन लेता हूं तो उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है, और फिर वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी को मैं किससे कंपेयर करूंगा, बताओ जल्दी से, उसको कंपेयर करना है आपने विद दो, पहला आपने जो बनाया था ना विच एवर इज हायर मैट को कंपेयर किया था विद द नॉर्मल टैक्स जो कि आपने कैलकुलेट किया था विच एवर इज हायर, वो कंपेयर फिर आप करोगे विद द टैक्स विच यू डिटरमाइन अंडर 115BAA, ये अप्रोच होगा।
अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो शायद वो ना दे, मैंने जितने एडजस्टमेंट दे रखे हैं प्राइमरी, मैंने तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बना के रखा है, लेकिन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इसके अंदर, कि अप्रोच कैसा अल्टीमेटली होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये तो चलो मैंने टोटल इनकम कंप्यूट किया, देखो पहले मैं क्या किया, हमने टोटल इनकम कैलकुलेट किया, तो ये सब चीज़ देखेंगे आप लोग, टोटल इनकम कैलकुलेशन चल रही है जिसके अंदर कैपिटल गेंस को भी हमने ये कंसिडर किया। कैपिटल गेंस LTCG आपका बनाया कितना, 17 लाख, ठीक है। तो और फिर आपने एग्जेम्पशन आपका 12 लाख का हुआ जो आपने 54EC में रखा, तो आपकी ये LTCG टैक्सेबल LTCG कितनी है, 5 लाख 15 हज़ार, 5 लाख 15 हज़ार 909, टोटल इनकम आपका इतना बन गया है, ठीक है। ये टोटल इनकम है। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन फिर करवाई गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो सबसे कंट्रोवर्शियल केस लॉ जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये वाला केस लॉ है, ये वाला केस लॉ की बात हो रही है, ये मेटल एंड क्रोमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड 2019, इसी की बात हो रही है। अब चुपचाप आपको ये लिख कर आना है, इफेक्ट ऐसे ही दे रहा है जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि भाई उसकी कैपिटल गेंस कितनी थी, तो इसने जो कैपिटल गेंस होगा उसमें से एग्जेम्पशन आपको बाहर निकालना है, तो सेल प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ लैंड प्राइमरी और माइनस व्हाट द एग्जेम्पशन ऑफ 54EC, तो वो नेट आपको अल्टीमेटली ही लेना है एज द पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। नेट को ही आप लेंगे एज द पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, नेट को ही लेना है एज द पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट आफ्टर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन, ना कि सिर्फ करो सेल प्राइस माइनस द कॉस्ट, नहीं, सेल माइनस कॉस्ट माइनस द एग्जेम्पशन, सबको अल्टीमेटली नेट ऑफ करके अल्टीमेटली आपको लेकर आना है। क्या लेकर आओगे आप लोग, दी फाइनल कैपिटल गेंस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। बाकी सब चीज़ ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें जो हमने डिस्कस किया था उसी फ्लो के हिसाब से ही ये चीज़ सॉल्व की गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक प्रॉफिट आपका बनता है स्टूडेंट 66,90,000 रुपीज़, जो मैंने डिस्कस आपके साथ अभी भी किया है। फिर उसके बाद अब आप टैक्स लाइबिलिटी पे आ जाओ, मैट के हिसाब से चलो तो सीधा एक ही 15% लगवा दोगे आप इस पे ऑन 66,90,000 रुपीज़, और अगर इनकम टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर चलना है, तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बचा हुआ है 12 लाख ही एग्जम्प्ट था ना, 17 लाख में से कुछ 17 लाख ऑड अमाउंट था उसमें से 12 लाख एग्जम्प्ट हुआ है, तो जो बैलेंस है 5,15,909 उस पर 20%, और बैलेंस टोटल इनकम पे जो बना रहेगा, बैलेंस टोटल इनकम पे स्टूडेंट्स जो भी रहेगा वो आपका वहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपके पास 17 लाख, 17 लाख एज नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, ये आपका बन गया नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी 17,75,681, 17,75,681, सो दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। और फिर उस पर आपको ऐड करना है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे क्या बोलोगे कि भाई 17 लाख ज्यादा है, मैट से कंपेयर करोगे तो 17 लाख ज्यादा है, तो नॉर्मल प्रोविजन में आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, और अगर नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी में आपकी प्रोविजन बन रही है तो उसको फिर आप ऐड करेंगे विद द सेस ऑफ 4% एंड टैक्स पेबल ऑफ 18,46,000, टोटल राउंड ऑफ हुआ है ये अमाउंट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद इट फाइनली स्टूडेंट। तो ये आपका टैक्स लाइबिलिटी बना है। अब बताओ 115BAA ऑप्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 115BAA का इफेक्टिव रेट लगवाना है 25%, देखो इफेक्टिव रेट कितना है 25%, वो डालना है। मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी टोटल इनकम आपने कैलकुलेट की है उसमें से आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो आपने डिडक्शन लिया है, जो एक्स्ट्रा डिडक्शन लिया है उसको आप ऐड बैक कर लेना। अभी इसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन क्या लिया है, ये आपका क्वेश्चन में आपका होगा अगर है तो डिसअलाउंस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट अलाउंस ऑफ 32(12A) एंड 32(18) रिस्पेक्टिवली शैल नॉट बी अलाउड टू बी क्लेम फॉर ब्रॉड फ्रॉड लॉस, अगर कोई होगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लाइक 73A प्राइमरी, देखो यहां पे क्या होगा, इसकी टोटल इनकम पहले ले लेते हैं हम लोग, टोटल इनकम देखो 72,05,909। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई एडिशनल डेप्रोसिएशन उसने यहां पे कोई क्लेम भी किया है, देयर इज नो एडिशनल डेप्रोसिएशन दैट हैज बीन क्लेम, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई बचा कुचा है कुछ स्पेशल डिडक्शन। करंट ईयर में स्टूडेंट अगर आप देख लो पूरा का पूरा इसके अंदर जो हमने डिस्कस किए थे, क्या उसके अंदर वो एडिशनल एक्स्ट्रा डिडक्शन वाले कोई सेक्शन आपको दिख रहे हैं, नहीं है, विच देयरफॉर इम्प्लाई कि क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, हाँ ये बस दो चीजें हैं 35CCC बस बिल्कुल है इसके अंदर, ये वाला है 35CCC
और ये ब्रॉडफोर्ड लॉस 3 लाख्स, ये क्यों ब्रॉडफोर्ड लॉस 3 लाख्स, उसकी वजह देखो सुन, जो अभी भी बताया, अभी भी आपने डिस्कस किया था क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा था, ये देख रहे हो आप लोग पॉइंट नंबर 10, ये ध्यान से देखना सुन, इसी को बस आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट, जस्ट बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, ब्रॉडफोर्ड लॉस अंडर सेक्शन 73A फॉर एवा 1890, 3 लाख का। तो क्या आपको कहा गया था कि ये जो 3 लाख का जो अमाउंट होगा ये आपने क्या करना है, ऐड करवा देनी है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली टोटल इनकम में आपने इसको सेट ऑफ किया था। और हमने अभी भी क्या कहा था कि जो एक्स्ट्रा वाले जो बड़े डिडक्शन की वजह से जो लॉस आपका बना है वो लॉस आपको भूलना होगा। तो इसी वजह से आप वो 3 लाख्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और जो टू टू एंड हाफ लैक्स का जो 35CCC का जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का जो डिडक्शन था वो आप ऐड कर रहे हैं। देखो ये दो चीज़, 32.5 लाख एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट प्राइमरी, और ये 3 लाख, ये जो टोटल इनकम में जो गिरा हुआ है उसको आपको ऐड करना है। और बस वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि वो टोटल इनकम जो है अमाउंट, उसमें से ये दो अमाउंट को ऐड करके एडजस्टेड टोटल इनकम जो आपके 115BAA के लिए है, एडजस्टेड टोटल इनकम जो आपके 115BAA के लिए, वो आप डिटरमाइन करके फाइनली अब आप क्या करोगे, 115BAA का टैक्स एप्लीकेबल करेंगे। टैक्स में ध्यान रखना क्या बोला गया था, क्या मैंने चर्चा की थी, उसमें भी आपको देखना है, क्या देखना है कि इसमें से स्पेशल इनकम को पहले बाहर निकाल दो एट स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम को बाहर निकालेंगे एट स्पेशल रेट, और फिर बैलेंस टोटल इनकम जो होगा, बैलेंस टोटल इनकम होगा उस पे लगवा देना है आपको 25.168%। अच्छा देखो यहां पे सुनो, एक कैलकुलेशन के रूप में आपको बस बता रहा हूं, 20.8 मैंने पहले से कर रखा है, 20% तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का, और उस पे मैंने सेस लगवा के रखा है पहले से। क्यों? क्योंकि कभी गलती ऐसा नहीं करेंगे आप लोग कि इसको 20% कर देना और फिर दिक्कत क्या हो जाएगी मालूम है, आप लोग इसको तो 25.168% के हिसाब से करोगे, लोड करके ही आपको करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द सरचार्ज इंक्लूडिंग द सेस, ये फाइनल फिगर है इसका। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अगर आपने इसको बिना सेस के किया, आपने इसको अगर बिना सेस के किया तो दिक्कत आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हो सकता है कि फिर बाद में आप उसको फिर से ऐड करोगे सेस में, और फिर उसको सेस में ऐड करने से वजह से क्या होगा, ये अमाउंट पे डबल सेस का इफेक्ट चला जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपका टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर नहीं है, नहीं है तो ठीक है, आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे उस पर आप क्या करोगे, 20% प्लस सेस 4% का आप उसको लोड करके आप उस हिसाब से लेकर आना। और जो दूसरा है बैलेंस टोटल इनकम स्टूडेंट, बैलेंस टोटल इनकम, ये पर्टिकुलर बैलेंस टोटल इनकम पे आप ये रेट लगवा के इसको कंक्लूड करेंगे। दिस इज वॉट यू पीपल आर गोइंग टू डू, डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो स्टूडेंट्स बस यही पॉइंट है, इस चीज को यहीं पे अगर आप अभी हम लोग रैप अप करते हैं और फिर देखो क्या बोला गया, सिंस द टैक्स एज पर 115BAA इज हायर एज कम्पेयर टू द टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, इट इज एडवाइज दैट द कंपनी शुड नॉट ऑप्ट फॉर 115BAA। ये क्वेश्चन को आपको एक दो बार तो जल्दी से गो थ्रू कर लेना अभी के अभी आफ्टर द लेक्चर गेट्स ओवर, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बस एक अप्रोच बता दिया कि किस तरीके से ये चीज़ होगी, लेकिन एक बार आप सभी लोगों को चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन थोड़ी देख के चलना, इसके अलावा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। इसके अंदर तो मैंने सब चीज़ डाल दिया, ऑल द परमिटेशन कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 19, इट्स एन अल्टीमेट क्वेश्चन विच यू ऑल हैव टू लुक इन टू इट। तो ये आपका स्टूडेंट्स पूरा का पूरा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एज फार एज अ कंपनी इज कंसर्न, ये मैंने डिस्कस कर लिया आप सभी लोगों के साथ। अब आप लोगों को बस एक ही काम करना है, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने हैंड होल्डिंग यहाँ तक कर रखी है आपको, अब आप माइन्यूटली ये क्वेश्चन नंबर 19 गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन मैंने तो कर लिया, सोल्यूशन आप प्लीज एक बार अच्छे से गो थ्रू करना सोल्यूशंस को, ठीक है, जो मैंने ऊपर से ओवरव्यू आपको दे दिया है, अब आप बस एक क्या काम करेंगे, अच्छे से सोल्यूशन को गो थ्रू कर लेना, एंड दैट शुड बी ऑल। एक बार तो अभी कर लेना, अगर आप बोलोगे नहीं हम कल करेंगे परसों करेंगे फिर भूल जाओ, फिर वही होगा कि MTP बाजू में रह जाएगी और बस ये क्वेश्चन भी बाजू में रह जाएगा। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, इमीजिएटली अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कोई क्वेरी होगा स्टूडेंट आप जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लेंगे स्टूडेंट्स। ये जो रेफरेंस दे दोगे अच्छा है गुंजन, दे दोगे तो अच्छा है, नहीं भी दोगे तो भी क्या है, दिक्कत तो नहीं है, बस इतना लिख देना एज पर द रीसेंट केस लॉ, एज पर द रीसेंट जजमेंट। ये 10 केस लॉ कहाँ अवेलेबल है, ICI के उसमें अवेलेबल है, वेबसाइट में देखो, ICI की वेबसाइट में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर चलो ठीक है, अब बस आपको यही करना है, जल्द से जल्द आप लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप कर लें जो मैंने आपको बस बताया है, इमीडिएटली आप लोग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी बोले कि अब सर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे किसके, डीटी के लिए, तो डीटी के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर में मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर, मैंने उनसे बात रखी है, देखो परमिशन अगर मिल जाता है, अगर परमिशन मिल जाता है तो वो जो न्यू कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा टॉपिक करवा ही दूँ, ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन में मिल जाता है तो। थैंक यू दिनेश, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गुंजन सर एक लेक्चर टाइम मैनेजमेंट इन डीटी पेपर पे कंडक्ट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट इन डीटी पेपर, एक्चुअली मैंने केस लॉ का, आप देखो क्या है, नहीं पुष्कर ये वाले सेशन में नहीं, वो स्टूडेंट्स लोगों ने कहा था कि आपने कर दिया था पहले ही, ये मैंने पेनाल्टी वाले सेक्शन में किया था, पेनाल्टी वाले चैप्टर में। टाइम मैनेजमेंट देखो मैं पहले ही कहता हूँ और अभी भी मैं बोल देता हूँ, दो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाला आप लोग पहले अटेम्प्ट करोगे, डिस्क्रिप्टिव वाला जो आपको पूरी तरह से अच्छे से पता है, फुल फ्लेजली आपको पता रहना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट टू क्वेश्चन दैट यू विल डू इट। एमसीक्यू मैंने थोड़ा मुझे खतरा इसके लिए लगता है क्योंकि उसके मार्क्स कम है और वो एक दो मार्क के चक्कर में ऐसा ना हो कि 5 5 मिनट 10 10 मिनट आपके एक एक एमसीक्यू में जा रहे हैं, वो खतरा बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से मेरा थॉट यही है कि दो फुल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करो डिस्क्रिप्टिव वाला, फिर उसके बाद असेस करके चलना कि भैया कम से कम 40 मार्क तो आप 40 मार्क या पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क, 30 से 35 नंबर तो आपने एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है तो अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर बाद में आप ये चांस ले सकते हो, तब तक आपका एक स्पीड भी बन जाएगा, फ्लो भी आ जाएगा, लेकिन एकदम शुरू से ही अगर आप एमसीक्यू में चलोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने नंबर का मार्क्स को कितने टाइम में कर लिया है, वो आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा। और जैसे मैंने कहा ना कि कुछ एमसीक्यू में आप ऐसे उलझ जाओगे, मिलना है 2 मार्क, दे दिया आपने 10 मिनट, तो ऑब्वियसली तो डिसप्रोपोर्शनेट ही हो गया, वो खतरा आपको लेना ही नहीं है, इस वजह से डिस्क्रिप्टिव पे पहला फोकस करें, उसको अच्छे से ट्रेड ऑफ करें, और 1 1.5 घंटे के बाद आप आइए एमसीक्यू में, क्योंकि वैसे ही फिर आप वो स्पेस में चलोगे, स्पीड में चलोगे, और जितना टाइम जितना मिलना चाहिए हर एमसीक्यू को, आप तब तक उतना ही टाइम मैनेजमेंट के आधार पे उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी कुछ लेक्चर्स होंगे ऋषिकेश जी के साथ, मैं थोड़ा इंटरेक्शन करके कोशिश करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स की जो बात हो रही थी वो मैं रख लूँ आपके साथ, ठीक है, ताकि ये चीज़ हो जाए, लेकिन अभी के अभी स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को करना क्या है मैंने बता दिया, बताओ क्या करोगे आप लोग, ये करेंगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी देखना है, क्वेश्चन मैंने गो थ्रू अच्छे से कर लिया, आंसर भी ऊपर ऊपर से हमने एक बार रेफर कर लिया अप्रोच, बट जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन वंस, ठीक स्टूडेंट्स, क्लोज करें फिर सेशन को, काफी सेंटी हो चुके हैं स्टूडेंट्स लोग, चलिए अब क्लोज करने का टाइम आ चुका है। चलिए थैंक यू थैंक यू।